बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई ये सब करने से क्या फायदा होगा मुझको, मैं अगर कोई सिंबल लगा भी लूंगा, मैं कहीं घोड़ा रख दूंगा, कहीं हाथी रख दूंगा, तो क्या मुझे फायदा होगा? ऐसा कैसे होता है? मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती हैं। देखिए, सिंबल सदियों से जो है वो काम करते आए हैं। हर चीज एक सिंबल के तौर पर ही हमारे पास है। अगर हम ईश्वर की साधना करते हैं तो भी हम किसी सिंबल को लेकर चलते हैं। सिंबल का मतलब हमने उनकी मूर्ति बनाई। अब मूर्तिकार ने देखा तो नहीं ईश्वर को, लेकिन एक सिंबल क्रिएट हो गया कि हाँ, अगर दिखते होंगे भगवान तो ऐसे होंगे, इतने सुंदर होंगे, ऐसे दिखते होंगे। अब सिंबल का देखिए, अब मंदिर में हम जाते हैं, हम शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। शिवलिंग, लिंग का मतलब ही सिंबल है, ठीक है? तो शिव भगवान का सिंबल, ठीक है? तो शिव भगवान का सिंबल है, हम उसकी आराधना करते हैं, ठीक है? और उससे हमें फल की प्राप्ति भी होती है। ऐसा नहीं कि पूजा करने से या आराधना करने से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, किसी भी चीज को, किसी भी धर्म में, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप वो जो क्रॉस है, वो क्रॉस इज अ सिंबल, है ना? तो हर धर्म के अंदर, या आप ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म के अंदर ये कोई सिंबल जो है वो हर धर्म के अंदर आपको मिलेंगे। हर चीज किसी ना किसी सिंबल से रिलेटेड है, क्योंकि जो सिंबल होते हैं ना वो एक स्टोरी को कैरी करते हैं, और वो स्टोरी जो है वो एक सदी से दूसरी सदी तक मूव करती है। मतलब कहते हैं कि जो कहानियां अगर लिख दो ना, मतलब जो लिखा हुआ मटेरियल है, जैसे हमारे वेद हैं, तो कहा जाता है कि भाई वेदों के अंदर ना कुछ लोगों ने उनके अंदर अपनी बातें डाल दी, या कोई चीजें ऐड कर दी, या चीजें सब्ट्रैक्ट कर दी, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो चीजें डाइल्यूट हो सकती हैं। मतलब एक रिटन मटेरियल खत्म हो सकता है, उसको छेड़खानी की जा सकती है। आज से पहले हिस्ट्री की किताबें जो 10 साल पहले कांग्रेसी गवर्नमेंट में और होंगी, बीजेपी की गवर्नमेंट में और होंगी, कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी एक हिस्ट्री की किताब बनाएगी। तो यानी कि वो चीजों से एक छेड़छाड़ संभव है जो रिटन है, बट जो चीजें किसी स्टोरी के माध्यम से ट्रेवल कर रही हैं वो बहुत सशक्त होती हैं। तो ये जो सिंबल भी है ना, ये सिंबल ऐसे ही नहीं कि एक सिंबल क्रिएट कर दिया गया। ये सिंबल का लॉजिक भी ये है कि ये सिस्टम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किसी स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि आज की डेट में भी हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब वट एवर, तो उस सिंबल के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। आज की डेट में रामायण पढ़ी नहीं है लोगों ने, बट उसकी स्टोरी हर कोई जानता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सामने एक स्टोरी ट्रेवल कर रही है। आप उसको रामलीला में देखते हो, आप टीवी पे रामायण आती है वो देखते हो। भले ही आप भगवान राम को मानने वाले लोग कम है, शिव जी की पूजा करने वाले लोग ज्यादा है भारत के अंदर, या विष्णु भगवान की पूजा करने वाले लोग ज्यादा है, इवन मंगलवार को हनुमान जी को जाकर प्रसाद चढ़ाने वाले लोग इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन उतने लोग भगवान राम को प्रसाद नहीं चढ़ाते एक्चुअली, है ना? तो आप ये देखो कि लेकिन जो भगवान राम की कथा है वो सबको मालूम है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बच्चे अपने माता पिता से सुनते हैं, भले ही वो रामायण पढ़े ना पढ़े। हम कभी रामलीला में जाते हैं तो देख लेते हैं, टीवी पर रामायण आ रहा है वो एक अच्छी बात है, लेकिन जब टीवी पर रामायण नहीं आता था तब भी लोगों को भगवान राम के बारे में सब मालूम था। उतना ज्यादा अच्छे से लोगों को उन देवताओं के बारे में मालूम नहीं है जिनकी वो पूजा भी करते होंगे, ठीक है ना? कई लोगों को हो सकता है कि भगवान शिव की सारी कहानियां मालूम नहीं होंगी, या भगवान विष्णु भगवान की सारी कहानियां मालूम नहीं होंगी, लेकिन भगवान श्री राम की जो रामायण की कथा है वो सबको मालूम होगी, क्योंकि वो कथा ऐसी है जो एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन तक वो ट्रेवल करा उसने। और जो सिंबल है उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो किसी ना किसी चीज को दर्शाते हैं। और सिंबल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो उनके अंदर कोई राज छुपा है, या उनके अंदर जो बात है जिसकी वजह से वो काम करेंगे, वो कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी सदी के अंदर डिकोड कर ही लेगा। अब देखो, इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड है वहां पर जो बातें लिखी गई वो एक सिंबॉलिक है, वो एक सिंबल की फॉर्म में कहानियों को बना दिया गया ताकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रेवल करे, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो सके। और अगर कोई कर भी देगा तो किसी ना किसी जनरेशन के अंदर 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, एक व्यक्ति कोई ऐसा आएगा जो उसको डिकोड कर लेगा कि सही कहानी क्या है। आप समझ रहे हो? तो ये बेसिकली सिंबल, शुरू से जब से संसार है तब से सिंबल है, और जब सिंबल है वो हमारे ऊपर अपना असर डालते हैं, है ना? भगवान गणेश, यहां से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि
भगवान गणेश से ही शुरुआत होती है हर अच्छी चीज की, और भगवान गणेश अपने आप में नॉलेज का सिंबल है, विजडम का सिंबल है। अब देखिए हमें इस बात पे कई लोग जाते हैं कि अच्छा, कई लोग विभिन्न धर्मों के लोग कई बार इसको मजाक में भी लेते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे पूजा होती है कि जी एक व्यक्ति है उसका सर जो है वो हाथी का है, पेट ऐसा है और ऐसा माना जाता है। देखिए भगवान गणेश का स्वरूप कैसा भी हो, है ना, हमें यह देखना चाहिए कि वो क्या दर्शाते हैं। जो वो दर्शाएंगे भगवान गणेश अपने उससे, जो उनके सिंबल के रूप में, वो चीज हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं बेहतर करेगी। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते, सिंबल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान गणेश के सिंबल से शुरुआत करूंगा। तो ये भगवान गणेश का सिंबल है अगर आप देखेंगे तो, और माइथोलॉजी के अंदर देखें चाहे कैसे भी देखें, भगवान गणेश को बहुत ही ऊपर माना जाता है सब देवताओं से। पहले हर पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अब भगवान गणेश जो है वो बेसिकली सिंबल किस चीज के हैं, वो दिखाते हैं, देखिए सर बहुत बड़ा है तो वो जो सर बड़ा है वो दिखाता है कि नॉलेज कितनी ज्यादा है, इसीलिए उनको नॉलेज के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है भगवान गणेश को। जितनी नॉलेज भगवान गणेश को है शायद उतनी किसी को भी ना हो। अभी ऐसे ही उनके बड़े बड़े कान है, ठीक है, तो जो ये दिखाते हैं कि हमें बहुत ज्यादा सुनना चाहिए, हमारी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एक बड़ा सा पेट है जो ये दिखाता है कि हम जो भी सुनते हैं, जो भी हमारे कानों के थ्रू हमारे मस्तिष्क में जाता है उसको हमें पचाने की क्षमता होनी चाहिए। पेट इतना बड़ा है कि उसके अंदर हर चीज समा सकती है। तो भगवान गणेश एक नॉलेज, विजडम, विजन के सिंबल हैं। अब अगर भगवान गणेश को हम अपने घर के अंदर स्थापित करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे विजडम के अंदर, विजन के अंदर, नॉलेज के अंदर जो है वो बेहतरी होगी थोड़ी सी, उसके अंदर हमें मदद मिलेगी। लेकिन पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि वास्तु के अंदर हम डायरेक्शन को ज्यादा कंसीडर करते हैं, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन के तौर पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम भगवान गणेश की मूर्ति रखते हैं और उसकी फेसिंग अगर वेस्ट की रहती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और वो हमारी नॉलेज और विजडम को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। अब भगवान गणेश की अगर हम प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं घर के अंदर कोई भी, तो आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, कोशिश करके देखिए कि अगर हो सके तो वो एक हो, है ना, क्योंकि मल्टीपल भगवान गणेश अगर आप रख लेंगे तो उससे थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन लेवल बढ़ सकता है उसके अंदर। तो अगर एक भगवान गणेश की अगर आपने कोई भी प्रतिमा छोटी सी या कुछ भी आपने एस्टेब्लिश करा अपने घर के अंदर, तो आप यकीन मानिए उससे आपको बेहद फायदा होगा, राइट। इसके अंदर कई लोगों के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम क्या भगवान गणेश को घर के द्वार पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, वास्तु के हिसाब से कैसा है। देखिए क्योंकि ये एक आस्था का विषय है, इसमें मैं सिर्फ आपको अपना एक ओपिनियन बता सकता हूँ, राइट, आपका करना ना करना वो आपके हाथ में। देखिए पहली चीज, भगवान गणेश देवताओं के अंदर श्रेष्ठ है। हम जब अपने घर के बाहर किसी देवता को लगाते हैं या किसी देवता की मूर्ति लगाते हैं तो वो मेरे को लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि वो देवता है, वो द्वारपाल नहीं है। देखिए माइथोलॉजी के अंदर ना द्वारपाल का भी महत्व है। जब मैं देवताओं पे जाऊंगा, 45 देवता जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। जो द्वारपाल होते हैं वो ऐसे हैं जैसे भगवान विष्णु के मंदिर में जय विजय, वो द्वारपाल है। भगवान शिव के मंदिर में जैसे आप देखते हैं नंदी बैल जो है वो द्वारपाल है। तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान गणेश जो देवताओं में भी श्रेष्ठ है, उनसे मेरे को लगता है कि द्वारपाल का काम नहीं लेना चाहिए, है ना, वो किसी द्वार की रक्षा के लिए नहीं है। और माइथोलॉजी जो बोलती है वो बोलती है कि भगवान गणेश एक ही बार द्वार पर खड़े हुए थे जब माता पार्वती ने उनको बोला था कि द्वार पर खड़े होने के लिए, और उसी समय पर उनका जो सर था वो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जो उनका धड़ सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया था। तो ये कोई अच्छी जगह नहीं थी उनके खड़े होने के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा मानना इस वजह से नहीं, ये कहानी की वजह से नहीं, ज्यादा इस वजह से है कि वो बहुत ही श्रेष्ठ देवता है और हम सब जो लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो भगवान श्री गणेश हैं उनका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बस पर्सनल बता सकता हूं कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने घर के द्वार पर भगवान गणेश की प्रतिमा को ना लगाऊं, ठीक है। बाकी ये एक पर्सनल मैंने बताया, आस्था का विषय, अपना विषय, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता सकता हूं, राइट। तो अगर द्वारपाल जो है माइथोलॉजी के अंदर द्वारपाल एक अलग
कैटेगरी है, और ऐसा नहीं कि द्वारपाल कोई छोटी कैटेगरी है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक द्वारपाल का काम है कि उसको ये जज करना, उसका नॉलेजेबल होना कि वो किस व्यक्ति को आने देगा भगवान के पास और किसको नहीं आने देगा। तो ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, द्वारपाल का रोल बहुत बड़ा है। बट फिर भी समझिए, भगवान गणेश द्वारपाल नहीं है, मतलब वो देवताओं में श्रेष्ठ है, हमें उन्हें अपने घर के बाहर दरवाजे पे खड़े करना, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो अनुचित होगा। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि दरवाजे के ऊपर भगवान गणेश को स्थापित करना शायद कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आप स्वास्तिक यूज कर लीजिए, कुछ और सिंबल यूज कर लीजिए, तो वो आई थिंक इज मच बेटर, जहां तक द्वार का सवाल है। इसके बाद ग्रीन सीन, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जोन पे। सबसे पहले नॉर्थ जोन के अंदर क्या क्या रेमेडी है, ग्रीन लैंडस्केप, ये रेमेडी बहुत ज्यादा यूज होती है। और लगभग वास्तु के अंदर जो मेजरली 4-5 सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है, उसके अंदर से एक ग्रीन लैंडस्केप है। अब ये जो ग्रीन लैंडस्केप की रेमेडी है, देखो मैं आपको ना साथ साथ में उसका एक, कई बार क्या होता है कि हम उसके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं करते कि भाई अगर एस्ट्रोलॉजिकल बात करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, या कई बार ऐसा लगता है कि यार कोई हमारा माल ही नहीं खरीदेगा, है ना, मतलब ऐसा भी आता है ना कई लोग, क्योंकि कई लोगों का फोकस नॉलेज से ज्यादा इस बात पे होता है कि माल कितना बिकेगा आज क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर माल बिकने की संभावना की बात नहीं है, मुझे आपको कोई माल नहीं बेचना, लेकिन मेरे को आपको समझाना है रूल क्या है कि ये लगाने से क्या होता है। ये सिंबल एक्चुअली ये प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को, और जो नॉर्थ की दिशा है, ये ज्यादातर जो रेमेडीज है इनके अंदर जो लगाने की दिशा है वो ज्यादातर आपको उनका रेफरेंस, मतलब लाल किताब में कहीं नहीं बताया गया, लेकिन लाल किताब के हिसाब से ये सारी चीजें मैच हो जाती हैं रेमेडीज की। तो जो बनाने वाला है उसने उस चीज को यूज करा होगा, लेकिन हो सकता है बनाने वाला बताना ना चाहता हो कि ये चीज कहाँ से आई है, तो ये एक अलग मुद्दा है। ठीक है, अभी ग्रीन लैंडस्केप की जो रेमेडी है वो मरकरी, मरकरी को जब नॉर्थ में रखते हैं, नॉर्थ को ना बेसिकली हाउस नंबर 6 माना गया जन्म कुंडली के हिसाब से। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनको टेंशन नहीं लेनी, ये वैसे भी काम करेगी रेमेडी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि ये रेमेडी क्यों, कैसे, क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो जब जो 6th हाउस है वहां पर मरकरी को वहां पर माना गया कि ये एग्जॉल्टेड मरकरी का रिजल्ट देता है। ठीक है, जो लाल किताब के अकॉर्डिंग माना गया। ठीक है, तो वहां पर लगाने से हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। जब अच्छा रिजल्ट मिलता है तो ऑब्वियसली क्या चीजें होती है, नॉर्थ का जो जोन है उसका एट्रीब्यूट अपना है। नॉर्थ के जोन का एट्रीब्यूट क्या है, अपॉर्चुनिटी का है, मनी का है। तो वहां पर हमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएटर है, यानी कि अगर मान लीजिए कस्टमर वगैरह नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे, तो आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हो। अगर आपको और अपॉर्चुनिटीज चाहिए किसी फील्ड के अंदर, अगर करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जॉब चली गई, जॉब नहीं मिल रही, है ना, इस टाइप की अगर सिचुएशन है तो ये ग्रीन सीन की रेमेडी यूज हो सकती है। इसमें ना कोई वहम नहीं पालना कि ये पर्टिकुलरली एक ब्रांड की रेमेडी है तो ये काम करेगी या ऐसे काम करेगी, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। आप अगर नेट पे कहीं से भी कोई भी एक ग्रीन सीन निकालोगे अच्छा सा, ठीक है, और वो आप लगा लोगे, ग्रीन का मतलब ग्रीन होना चाहिए, उसमें झरने, नदियां, पानी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सब हमें एक सीनरी नहीं चाहिए, हमें एक ग्रीन सीन चाहिए। पहले तो ये समझ के रखना, आप जब भी रेमेडी चूज करोगे तो ये समझ के रखना कि आपको किसी सीनरी नहीं लगानी, आपको एक ग्रीन सीन लगाना है। राइट, तो वहां पर एक छोटे छोटे पौधे अगर हो और वो ग्रीन हो बिल्कुल, उसमें ये नहीं कि येलो फ्लावर है, रेड फ्लावर है, ये सब नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ग्रीन, जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो इट इज कंप्लीटली ग्रीन, तो इस टाइप की कोई चीज हो तो इट विल वर्क गुड, मतलब आपको भी उससे फायदा होगा। राइट, तो ये आप यूज कर सकते हैं उस केस में। तो इट इज वेरी सिंपल, आप कहीं से भी निकालिए, उसको फ्रेम करा लीजिए, ब्लैक कलर का फ्रेम करा लीजिए, और मार्केट में कोई अगर मान लो मैं भी बेच रहा हूँ या कोई भी बेच रहा है या कोई भी एक्स वाई जेड बेच रहा है, कोई 1500 में दे रहा है, कोई 2000 में बेच रहा है, कोई जीएसटी लगा के इतने का, कोई इतने का, उस सब में मत पड़िए। एक प्रिंट निकल सकता है 100-150 रुपए का, कलर्ड प्रिंट बढ़िया सा निकालिए अच्छे पेपर के ऊपर और उसको लेमिनेट कराइए और इसको फ्रेम करा के लगा लीजिए। आई थिंक टोटल कॉस्ट आपको 450-500 रुपए के आसपास कुछ पड़ेगी अगर अच्छी क्वालिटी का पेपर आप यूज करेंगे। राइट, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और कई बार ये होता है कि साइज कितना हो कितना ना हो, ये आपके घर के हिसाब से है। अगर हमारा एरिया बहुत छोटा है तो हम एक अगर A3 साइज भी लगा लेंगे, इट इज मोर देन एनफ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई होटल है या कोई ऐसी जगह है, वहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर हम उसको बोले कि यार उस साइड पर कोई बड़ी सी पेंटिंग लगा लो, ह्यूज सी,
मतलब ये नहीं कि भाई हमें अब तो अपना माल बेचना है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो वो कर सके, मेन चीज है जिससे उसका भला हो, उसका फायदा हो, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हमारा फायदा कैसे होना है। ज्यादातर वास्तु के अंदर ये नहीं देखना हमारा फायदा कैसे, मेन चीज है जो हमारे पास व्यक्ति आया है उसका फायदा कैसे होगा। तो उसको सजेस्ट कर दो वो कैसे लगाएगा, कितना खर्च आएगा, वो उसकी दिक्कत है। उसको बोल दो आप यहाँ पर ऐसे लगा लो। अगर आप घर में ग्रीन आपके पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी एक सेम चीज है, वो भी सिंबल है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ में आपने ग्रीन पौधे लगा रखे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पौधे आपके घर में गमले लगे हुए, ठीक है, उनमें बस लाल पीले फूल ना हो, कम हो, मतलब ना हो तो ज्यादा बेटर है। तो अगर वो पौधे वौधे लगे हुए हैं तो वो भी ये सेम जो ग्रीन सीन है इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करके दे देंगे। कोई ऐसी मारामारी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई वहम नहीं पालना, ये समझना है कि ये काम हो क्यों रहा है, वो इंपॉर्टेंट है वास्तु को समझने के लिए। किसी वहम में नहीं जाना उस चीज के लिए। चंद्रभूषण जी क्वेश्चन में बाद में लूंगा, ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड रेमेडी जो नॉर्थ के अंदर बहुत अच्छी रहती है वो कुबेर की जो रेमेडी है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब इस कुबेर की जो रेमेडी है इसके अंदर एक चीज समझिएगा कि ये बेसिकली आपकी ना क्रेविंग जो है फॉर बाइंग द गोल्ड उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा देगी। ये आपकी क्रेविंग जो है गोल्ड खरीदने के लिए कि भाई मुझे गोल्ड खरीदना है, तो वो क्रेविंग जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी जब आप ये रेमेडी आप यूज करेंगे तो। सो रेमेडी इज गुड, काम करती है, बढ़िया काम करती है रेमेडी, और मैंने प्रैक्टिकली देखा है। और इससे आपको ना वेल्थ एक्यूमुलेशन में मदद मिलती है। जैसे कई बार ऐसा होता ना कि यार पैसे आ रहे जा रहे, लेकिन हम कुछ संजो के नहीं रख पा रहे, तो वेल्थ क्रिएशन में फायदा मिलता है थोड़ा सा। कहीं ना कहीं आपका जैसे मनी ओरिएंटेशन की तरफ से आपको थोड़ी सी और हेल्प मिलती है, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी बेटर हो जाएंगी पैसा कमाने की। बट मेजरली आपको मैं जो एकदम से रिजल्ट देखने को मिलेंगे वैसे होगा गोल्ड की क्रेविंग या पैसा बचाने की आपके अंदर इच्छा, या कि भाई पैसा जोड़ा जाए, जैसे कई बार तो हम बहुत खर्चा कर रहे हैं उस टाइप से। तो कुबेर लॉर्ड भी है बेसिकली, नॉर्थ के अंदर कुबेर का स्थान भी है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है कुबेर की जो रेमेडी है नॉर्थ के अंदर, आप इसको लगाइए बिल्कुल। मतलब ये रेमेडी लगाकर आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं रेमेडी के बारे में आपको बता तो रहा हूं, कई बार क्या होता है कि मैं आपको मान लो यहाँ पर 50 रेमेडी बताऊंगा, आपको 50 की 50 बहुत अच्छी लगेंगी, आपको 50 की 50 खरीदनी नहीं है भैया। और ये भी मत सोचना कि ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे को 10 लगानी है, नहीं, आपको 10 8 रेमेडी नहीं लगानी। ये जब वो आप समझिए ये सेल्स का सौदा नहीं है, मतलब अगर मेरे को आपको बेचनी हो जी बेच खरीदो नहीं। इनफैक्ट जो मैंने सबसे पहले चैप्टर के अंदर आपको बात बताई है कि बिना रेमेडी के सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है, ट्राई टू अवॉइड, पहली चीज कि आपको रेमेडी की जरूरत ही ना पड़े, पड़ती है यूज कर लो कोई बात नहीं, बट एक बार में 6 रेमेडी 8 रेमेडी मत लगाइए। आप 2-3 रेमेडी यूज कीजिए ठीक ठाक, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड रेमेडी यूज कीजिए। ये नहीं कि अच्छा पैसा तो आ ही जाए यार, ये तो जनरली चाहिए, अच्छा क्लाइंट तो आ ही जाए ये भी चाहिए, अच्छा हेल्थ तो ठीक ही रहे ये भी चाहिए, ऐसे मत कीजिए, ठीक है। दुकानदारी वाली कोई बात नहीं। और साथ में क्लाइंट के यहाँ भी कभी ये कोशिश मत कीजिए कि मैं इसके 8-10 रेमेडी लगा दूं, भाई 500 की रेमेडी लेके इसको 1000 की दे देंगे 2000 की दे देंगे, उस चक्कर में मत पड़िए। कोशिश कीजिए कि कम से कम रेमेडी के अंदर इम्पैक्ट आए, है ना। यहाँ पर वो जब होता है ना कि हम पैसा कमाने के इरादे से अगर ज्यादा लॉजिक लगाएंगे ना तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। कोशिश करिए टू द पॉइंट, जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन कंसर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी को यूज कीजिए। एक वक्त में 3 लगा लीजिए, बहुत हद है 4 लगा लीजिए, इससे ज्यादा रेमेडी मत यूज कीजिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। अगर वो वाला काम आपका सिद्ध हो जाता है, बन जाता है, हो गया, तब आप अगर कोई अगली दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आपको जरूरत है, वो भी जरूरत है, पहले कोशिश कीजिए कि बिना रेमेडी के काम हो, अगर फिर भी जरूरत है तब उसको इंस्टॉल कीजिए, ऐसे मत कीजिएगा। ये नहीं कि आज रेमेडी के बारे में सुना, कल मैं अमेजोन से या पता नहीं कौन कौन बहुत सारी साइट्स हैं वहां से सारी रेमेडी ऑर्डर कर दूं, मंगा लूं, सस्ती मिल रही है, सेल लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेल जिंदगी भर लगी रहेंगी, पहले ये देखो प्रॉब्लम क्या है। जो प्रॉब्लम है अगर वो बिना रेमेडी के रिजॉल्व हो सकती है वो आपके लिए बेस्ट है। अगर रेमेडी यूज करनी पड़ रही है गो एड, बट स्टिल 2 या 3 इससे ज्यादा रेमेडी मत यूज कीजिए, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है कुबेर, ठीक है। अगर मैं दिखा सकता तो मैं आपको दिखा देता, मैंने अपने घर में भी लगा रखा है वैसे, है ना। तो मतलब मैं आपको ऐसे ही नहीं कि बोलूंगा कि अच्छा बुरा, मैं साथ के साथ आपको बता भी सकता हूँ।
ठीक है ओके सर नेक्स्ट इज अभी प्लीज क्वेश्चन मत सर बस एक सेकेंड ये स्टैचू शेल्फ पे रखना है या फोटोग्राफ फ्रेम करवा के ओके देखिए ये स्टैचू और फ्रेम का जहां तक सवाल है उसके अंदर एक चीज समझिएगा कि ये दो अलग अलग चीजें हैं जो 3D रेमेडी है उसको एज ए 3D रेमेडी ही यूज कीजिए उसके लिए फोटोग्राफ मत यूज कीजिए जो फोटोग्राफ है वहां पर फोटोग्राफ यूज कीजिए देखिए एक फर्क होता है कई बार लोग कहते हैं मैं कुबेर की फोटो लगा दूं यक्षराज कुबेर की फोटो लगा दूं देखिए आप फोटो लगा सकते हैं लेकिन फोटो का इफेक्ट और एक 3D रेमेडी के इफेक्ट में फर्क आएगा ही आएगा इसमें कोई शक नहीं है रिजल्ट मिल सकते हैं हाँ मिल भी सकते हैं इसमें कोई वो भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे ठीक है पहली चीज देखो दो बातें समझना अभी अमिताभ बच्चन पिछले इतने सालों से बॉलीवुड के अंदर हैं और वो मेरे ख्याल से मुंबई में जहां से अपनी कार लेके निकलते होंगे ना वहां पर उनको एक आध फोटो उनका लगा हुआ दिखता ही होगा कहीं ना कहीं मतलब एवरी सिंगल प्लेस या शाहरुख खान या कोई भी बड़ा जो स्टार है उसको अपना पोस्टर फोटो कहीं ना कहीं दिखेगा ही क्योंकि इतनी एड में काम करते हैं जगह जगह बैनर लगे हुए हैं तो आप क्या सोच रहे हो उसको हर फोटो को देखकर दे फील थ्रिल्ड दे फील जॉयड मुश्किल है उतनी खुशी नहीं होती होगी ठीक है फोटो है ओके बट अभी वो मदाम तुसाद म्यूजिक जो म्यूजियम है जहां पर उनके वैक्स स्टैचूज लगे हुए हैं जब उनका वहां पर वैक्स का स्टैचू लगा तो उसको अमिताभ बच्चन ने खुद लॉन्च करा मतलब वो अपना स्टैचू देखकर खुद इतने खुश थे या शाहरुख खान या कोई भी तो आप ऐसा समझिए कि जो एक 3D रेमेडी है ना उसका एक अलग ही महत्व है अब हम किसी मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहां पर फोटोग्राफ कम होते हैं मूर्तियां ज्यादा होती हैं क्योंकि वहां पर मूर्ति का एक अलग महत्व है ठीक है ना घर के अंदर हमारे फोटोग्राफ भी चल जाती है क्योंकि हमें उतना ही काम चाहिए तो हमारा काम उससे बन जाता है इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस एक मूर्ति में एक स्टैचू में और एक फोटोग्राफ के अंदर बस जहां पर एक मिनट जहां पर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपने ये मूर्ति यूज करनी है या ये स्टैचू यूज करना है आइडल यूज करना है वहां पर आप आइडल यूज कीजिए जहां पर आपको बोला है फोटोग्राफ यूज करना है वहां पर फोटोग्राफ यूज कीजिए मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आइडल की जगह खाली फोटोग्राफ यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा लेकिन कई कई केसेस में उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए राइट और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा और प्लीज मेरे को मत मैसेज डालिएगा कि मेरे को ये रेमेडी चाहिए अमेजोन वगैरह पे सब पे रेमेडी मिल रही है मैं पहले जो मेरे पास मैसेज आते हैं मैं उन्हीं को नहीं भेज पाता ठीक है आपको थोड़ी बहुत महंगी मिलेगी लेकिन वहां से ले लीजिए जल्दी मिल जाएगी मैं तो वैसे भी डिलीवरी नहीं करता ज्यादा ठीक है तो आप वहां से आराम से मंगाइए रेमेडी वगैरह और जो भी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि इस पे स्पेशली हमारा आशीर्वाद है हमारा ये फलाना ये सब बेकार की बात है रेमेडी वो एक सिंबल है वो सिंबल आज से 100 साल पहले से काम कर रहा है 500 साल पहले से काम कर रहा है 1000 साल पहले से काम कर रहा है मेरा हाथ लगने से या किसी का भी हाथ लगने से कुछ नहीं होने वाला उसके अंदर है ना कि ये टेप हमने स्पेशली मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करके दिए और ये वो इन सब बातों से कुछ नहीं हो रहा अगर टेप अभिमंत्रित करके कोई दे रहा है या मेटल की स्ट्रिप हमारे अभिमंत्रित जल से धुलकर और मंत्र पढ़कर दी गई है तो भाई फिर मंत्र की ताकत है फिर तो ये क्यों बता रहे हो कि कहां पर स्टील लगाना है कहां कॉपर लगाना है कहां पर एल्युमिनियम लगाना है फिर तो कोई सी भी स्ट्रिप लगा दो फिर हमें नीली पीली लाल टेप का मतलब ही क्या है अगर इतना बड़ा आशीर्वाद चल रहा है लोगों का कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारा स्पेशल ये और वो और फलाना ढिमकाना तो भाई अगर इतने ही तुम्हारे आशीर्वाद चल रहे हैं तो फिर एक ही टेप भेज दो सबको भाई अपना आशीर्वाद दे दो और उसके ऊपर जल छिड़क दो जो तुमने छिड़कना है फिर तो वो काम करनी चाहिए फिर इतना क्यों समझा रहे हो कि यहाँ नीली लगानी है लाल लगानी है तो ये आशीर्वाद और जल काम नहीं कर रहे काम कर रहा है वो कलर उसका ऐसे ये जो आइडल है ये सिंबल है ये काम कर रहे हैं यहाँ पर कोई संत महात्मा ये वाली कोई कथा कहानी नहीं हो रही इसके अंदर कि ये हमारा ये है या इस पे मेरा लोगो खुदा हुआ हो गया तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है मैं भी वो ब्रांडिंग करके उस पर लगाया हूँ मेरा लोगो ये कोने में PPT पे भी लगा हुआ है तो इससे कुछ नहीं हो जाता इस लोगो के लिए बस ये है कि हाँ ये मेरा ब्रांड है बस ये लगा हुआ है दैट्स इट इसका मतलब ये नहीं है दिस इज द ऑथेंटिक प्रोडक्ट ऑफ वास्तु माइस्ट्रो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो साइज क्या रहना चाहिए साइज आइडियली आप अपने घर के हिसाब से ले लो ये सारी रेमेडी आपको ब्रास की जो रेमेडीज हैं अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो तक की भी ले सकते हो 20 किलो kg के हिसाब से होते हैं ये आपको हाथ में पकड़ के पता चल जाएगा और अगर आपका घर छोटा है ठीक ठाक सा मतलब 2-3 बेडरूम में रह रहे हो तो
एक डेढ़ किलो तक के भी जो होंगे पीसेस, जो ये वेट के हिसाब से होते हैं पीसेस, आप चेक कर लेना हाथ में पकड़ के, आपको आइडिया हो जाएगा कितना बड़ा है। और सर वेट के हिसाब से चलना चाहिए, इंचेस देखने चाहिए मूर्ति के या उसके? ये कोई देवताओं की मूर्ति नहीं है, पहली चीज इसको ऐसा समझो जी। ये कोई देवी देवता नहीं है, इनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही देवी देवता वाली, दीज आर सिंबल्स, मैंने पहले बोला। अब ये यक्षराज कुबेर मैंने जैसे बोला, तो यक्षराज है, इनको कोई धूप अगरबत्ती नहीं दिखानी, यक्षों की पूजा नहीं की जाती, यक्षों की पूजा अलग किस्म के लोग करते हैं, ठीक है, तो हमें इनकी पूजा नहीं करनी। बस सर एक लाफिंग बुद्धा रहता है जैसे, फेंग शुई की रेमेडी है, हम वास्तु के अंदर यूज नहीं करते, कई वास्तु वाले यूज करते हैं, हम उसके हमारा कंसर्न नहीं है। हम जो हमारा जो लाफिंग बुद्धा है वो कुबेर से इंस्पायर्ड है, ठीक है, आप कुबेर को देख लीजिए, लाफिंग बुद्धा को देख लीजिए, ज्यादातर चीजें आपकी मैच कर जाएंगी। लाफिंग बुद्धा वही काम कर रहा है, वही गोल्ड के कॉइन पीछे रख के घूम रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग फेंग शुई करते हैं वो फेंग शुई कर सकते हैं, मेरे को वास्तु के अकॉर्डिंग बताना है, बाकी लोग क्या यूज करते हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं है, है ना, अपना ट्रेडिशनल जो है वो वास्तु का है, तो हम वास्तु के आपसे। हाँ ये जरूर है कि इस इन रेमेडीज के अंदर भी कई रेमेडीज जो है वो फेंग शुई की रेमेडी है, राइट, तो मेरा काम है उनको एक्सप्लेन करना जो वास्तु के हिसाब से। तो अगर मेरे पास ऑप्शन होगी लाफिंग बुद्धा और कुबेर में से एक को लगाने के लिए, आई विल इंस्टॉल कुबेर। हेलो सर, अगर ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं तो अगर हमारा नॉर्थ की स्ट्रेंथ कम है और हम ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं तो उसका इफेक्ट आएगा? नॉर्थ की स्ट्रेंथ कम है और ग्रीन स्क्रीन लगा भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जब आपको आप सब लोगों को पहले कि हेलो, पहले तो सब लोग बोलिए मत, मैं इस आखिरी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, उसके बाद में आपको बाद में अलाउ करूंगा। हाँ सर, सबको बाद में कैसे डिस्टर्ब हो गए सारी लाइन सर, प्लीज। ग्रीन सीन के अंदर मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी बड़ी सिंपल सी, और अगर किसी का बहुत अर्जेंट हो तो टाइप कर देना, अभी टाइप भी मत करना, मैं बाद में क्वेश्चन लूंगा आपके, ठीक है। ग्रीन सीन के अंदर सिर्फ हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आपको अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो आई विल ओपन आपको क्वेश्चन, मैं बोल कर दूंगा मैं ओपन, ठीक है। ग्रीन सीन और ग्रीन कलर मैंने जब आपको बैलेंसिंग भी समझाई थी, मैंने तब भी बोला था कि नॉर्थ के अंदर इसको लिया जा सकता है और ये आपको एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करता यूजुअली, अंटिल अनलेस, कई बार फिर मैंने आपको तब भी बोला था कि एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि अगर मर्करी ठीक ठाक प्लेस्ड है तो कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, ये मेन जगह है। अगर बहुत ही खराब है किसी का मर्करी तब जाके हमें देखना चाहिए कि यार इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, बट अदरवाइज इट इज वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप ग्रीन कलर भी वहां पर नॉर्थ में आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट मैंने बताया ना उसका एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसको देखना जरूरी है वहां पर, जो कि मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करा था, वो आप वीडियो जाकर देख लीजिए पीछे, आपके जो जो लोग वेबसाइट पे जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं वहां पर जाकर, और जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है वीडियो, पिछला वीडियो वो देख सकते हैं वहां पर जाकर, कोर्स में जो भी वीडियो था उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया था, ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी रेमेडी है वो है फ्रेश फ्लावर्स की। ये जो फ्लावर्स है कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए कि ये आप रेड या येलो कलर के फ्लावर्स को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा इसके अंदर, बाकी आप ये फ्लावर आप यूज कर सकते हैं, इट इज अ गुड रेमेडी। ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, खास तौर से अगर आप क्रिएटिव कामों के अंदर हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर आपकी कोई डोर टू डोर सप्लाई नहीं है फ्लावर्स की तो प्लीज ये रेमेडी यूज मत करना। रीजन बीइंग कि आप ये रेमेडी यूज करोगे रखोगे अपने फ्लावर, वो आपको अच्छा इफेक्ट भी दे देंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार बदल नहीं सकते तो फूल मुरझा जाएंगे और मुरझाए हुए फूल जो पड़े हुए हैं वो आपको नुकसान दे जाएंगे। पहली चीज, नकली फूल आप नहीं रखोगे, ओरिजिनल है, और ओरिजिनल तभी रखना जब आप उनको रेगुलर बेसिस पर रिप्लेस कर सको या आप उनको फ्रेश रख सको। अगर फ्रेश नहीं रखोगे और अगर वो मुरझाए हुए पड़े रहेंगे तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम, राइट। तो ये तभी यूज करनी है जब आप वो काम कर सको, अदरवाइज आप ये रेमेडी यूज मत कीजिएगा, इट इज नॉट गुड। देन एक बड़ी पॉपुलर रेमेडी है, आप बहुत सुनते भी हो इसके बारे में, कि मनी प्लांट इन ब्लू बॉटल। तो मनी प्लांट इन ब्लू बॉटल, अगेन मनी प्लांट आ गया है और ये अगेन वही चीज है, मरकरी की जगह पर आप इसको प्लेस कर रहे हो, नॉर्थ इज मरकरी एरिया तो वहां पर आप प्लेस करते हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, इट इज अ गुड रेमेडी अगर आप इस रेमेडी को यूज कर रहे हो, है ना। अगर मैं इसका पूरा एस्ट्रोलॉजिकल आपको वो बताना चाहूं तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये बेसिकली दो जो मेजर प्लैनेट हैं मरकरी और राहु, ये दोनों को ही रिप्रेजेंट कर देता है एक साथ,
और ये दोनों के दोनों सिक्स हाउस के अंदर बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट देने के बिल्कुल क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो वहां पर इसको रखने से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नौकरी चली गई तो जॉब मिलने में आसानी हो जाती है, राइट। लेकिन जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जिनकी जॉब चली गई है, उनको ये रेमेडी प्लेस करने के साथ साथ कोशिश करना चाहिए कि जो उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो भी वो उस दिशा के अंदर रख दें, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मतलब इट इज वेरी गुड फॉर देम कि वो उसको वहां पर प्लेस कर दें, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन है उनके लिए। तो ये वो पूरा का पूरा काम करेंगे तो इससे फायदा होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके काम के अंदर क्लाइंटेज थोड़ी कम हो रही है, आपके ज्यादा क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो भी आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हो। इट इज अ गुड रेमेडी, बट ट्राई टू यूज बॉटल ऑफ ग्लास, प्लास्टिक यूज नहीं करना। मैं अगेन, क्यों? क्योंकि ग्लास अगेन रिप्रेजेंट मरकरी, राइट। तो ग्लास यूज करना है आपको, प्लास्टिक यूज नहीं करना। तो प्लास्टिक की ब्लू कलर की बॉटल मत यूज कीजिएगा, ग्लास की ब्लू कलर की बॉटल यूज कीजिएगा, देन रिजल्ट विल बी गुड। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये रेमेडीज टाइम टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करी और रिजल्ट आता है, ठीक है। सिंपल है, कहीं से भी मनी प्लांट आसानी के साथ उपलब्ध है और आप इसको यूज कीजिए, यू विल गेट रिजल्ट, ठीक है। फिर एक रेमेडी के तौर पर हम, ये बड़ा ऑस्पिशियस सिंबल है स्वास्तिक का, वाकई बहुत ऑस्पिशियस सिंबल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मतलब हर जगह हम चाहे दिवाली पर पूजा करें लक्ष्मी जी की या कुछ भी हो, कोई भी पूजा का अवसर होता है, पंडित जी सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं, हमारे घर के अंदर सबसे पहले स्वास्तिक बना होता है, दरवाजे पे हम स्वास्तिक बना देते हैं, कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है नजर ना लगे या कोई भी दिक्कत ना आए तो हम वहां पर एक स्वास्तिक का सिंबल क्रिएट कर देते हैं। स्वास्तिक भी एक बहुत अच्छी रेमेडी के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, और जिस भी जोन में आप यूज करेंगे ये उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा सा इजाफा ही करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको अच्छा रखेगा। यानी कि अगर आप नॉर्थ में यूज कर रहे हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज के अंदर बेनिफिट मिलेगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में यूज करें तो आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड बेटर होगा, अगर आप ईस्ट में यूज करेंगे तो आपका सोशल एसोसिएशन को बेटर करेगा, ईस्ट साउथ ईस्ट में करेंगे तो एंग्जाइटी में आपकी थोड़ा कंट्रोल आएगा, ठीक है, और आपका जो लॉजिकल माइंड है वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। साउथ ईस्ट में रखने से आपका जो पैसे का फ्लो वगैरह है, कई पेमेंट वगैरह भी ब्लॉक्ड है, तो भी आप इसको एज अ रेमेडी साउथ ईस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जोन के एट्रीब्यूट आपको सब समझा ही रखे हैं कि भाई अगर साउथ में है तो वहां पर आपको फेम रिकॉग्निशन दिलाने में आपकी हेल्प करेगा, साउथ साउथ ईस्ट के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो हर जगह पर ये रेमेडी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे घर में स्वास्तिक बना दो, नहीं। मैंने क्या बताया, अगर रेमेडी है तो उसका एक पर्पज होना चाहिए, उसको पर्पजफुली आप यूज कीजिए, राइट, तभी आपको वो रेमेडी थोड़ा सा फायदा करेगी, आपको उससे लाभ मिलेगा, पहली चीज। दूसरी बात यह कि कई लोग कहते हैं कि जी मैं नीले रंग का बनाऊं, पीले रंग का बनाऊं, क्योंकि वास्तु के अंदर हमने समझ लिया भाई इस जोन का ये कलर है, तो हम सोचते हैं यार उस जोन के कलर के साथ ही बना दो। बहुत ज्यादा अगर आपको कलर से लगे कि रेड कलर मुझे यहां यूज नहीं करना, वहां पर ब्रास का स्वास्तिक लेकर आप लगा दीजिए, क्योंकि ब्रास एक यूनिवर्सल, जितनी भी रेमेडीज यूज हो रही है चाहे वो सन है, इंद्र है या कोई भी है, वो सब ब्रास के बने हुए हैं। ब्रास का स्वास्तिक आप किसी मर्जी जोन में यूज कर लीजिए, आपको ये मैं नीले रंग का बना दूं या मैं इस रंग का बना दूं या उस रंग का बना दूं, पर्पल बना दूं, इन सब में जाने की बजाय रेड कलर वेरी गुड। जहां जहां आपको लगता है कि रेड कलर से, क्योंकि आप सब समझ चुके हो ये सब बातें, तो वहां पर आप गोल्डन कलर के अंदर या ब्रास के अंदर इसको क्रिएट कर लो, और ब्रास के अंदर आप इसको, ब्रास का स्वास्तिक एक लेकर वो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बढ़िया रिजल्ट आएगा, बढ़िया आपके लिए काम करेगा। तो ये आप रेमेडी एज ए यूज इसको कर सकते हो, इट इज अ गुड रेमेडी, जनरल रेमेडी, और नॉर्मली हमने घर में कहीं ना कहीं हमारे स्वास्तिक हमें मिल ही जाता है, हमने लगा रखा होता है घर के अंदर। फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की एक रेमेडी आती है ब्रास लॉइन। अब देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअली लॉइन से कोई लेना देना नहीं। अब ये रेमेडी भी इसलिए नहीं है कि ये हमारा हेल्थ, जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इज बेसिकली जोन फॉर हेल्थ, बट ये रेमेडी ऐसी नहीं है कि ये हेल्थ इंप्रूव कर देगी आपकी। इससे क्या है ना, आपकी ताकत बढ़ेगी अपनी बात को करने की, आप अपनी बात लोगों के सामने रख पाओगे, अपनी बात जो है ना मजबूती के साथ लोगों में रख पाओगे, ये चीज आपके अंदर आएगी। कई बार ऐसा होता है कि मेरे बॉस मेरी बात नहीं सुनते या ऑफिस में लोग मेरे को सीरियसली नहीं लेते, ऐसी ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती हैं कि भाई ये सब दिक्कतें आ रही हैं। उस केस में भी जो ब्रास लॉइन की रेमेडी है, इट इज अ गुड रेमेडी, ये आप यूज कर सकते हो, ये आपके लिए बढ़िया काम करेगी।
दूसरी चीज ये है कि जैसे कोई पॉलिटिकल लोग हैं जिनको मास लेवल पे कम्युनिकेट करना है या जहाँ हाई पार्टी हाई कमान मेरी बात नहीं सुनती, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वहां पर भी आप ये ब्रास लाइन यूज कर सकते हो। अब देखो इसको समझना, इस रेमेडी के थ्रू भी ये समझने की कोशिश करना कि शेयर का यहाँ से रिलेशनशिप कैसे निकलेगा। मैं आपको सिर्फ एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैंने बताया जैसे कि आपको कि बहुत सारी चीजें जो है वो लाल किताब से निकलती है, उसके अंदर जो बृहस्पति है जुपिटर जो है उसको बबर शेर माना गया, और जब आप ये लगाते हो ना रेमेडी तब भी आप एक बबर शेर ही लगाते हो, आप एक नॉर्मल टाइगर वाइगर नहीं लगाते, आप बबर शेर लगाते हो, उसको बबर शेर माना गया जुपिटर को। तो ये जो लॉयन है ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है खुद, और वो उसकी वैसी फॉर्म को शो करता है जो दबदबे वाली है। एक जुपिटर की एक फॉर्म ऐसी आती है जो बहुत स्पिरिचुअल इन नेचर है, ठीक है, जो भगवान को बहुत हर बात को भगवान के लिए रिप्रेजेंट करता है। एक एक ये फॉर्म है जो दबदबा दिखाती है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई लाल किताब के अंदर जुपिटर को। हर जगह एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब शुरुआत की जाती है तो सन से की जाती है, और लाल किताब के अंदर शुरुआत की जाती है तो वो बेसिकली जुपिटर से की जाती है। तो यहां पर जब आप देखते हो कि इसको हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में क्यों रख रहे हैं, तो एक्चुअली ये लाल किताब के हिसाब से जो है ये नॉर्थ ईस्ट माना जाएगा, मतलब खाना नंबर चार। तो खाना नंबर चार माना जाता है, तो वहां पर जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है, तो एग्जॉल्टेशन का रिजल्ट देता है पावरफुल, तो इसलिए ये रेमेडी वहां पर प्लेस करते हैं। तो वहां पर प्लेस करने से इसका फायदा भी मिलता है, और अगर आप चाहो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी मर्जी है, इसको आप यूज करें ना करें। क्योंकि कई लोग मैं ऐसे देखते हैं, मेरे से पूछते हैं कि हमने किसी वीडियो में सुना था घर के अंदर वाइल्ड एनिमल नहीं रखने चाहिए या ऐसा नहीं रखना चाहिए। देखिए वीडियो बहुत सारे बनते हैं, हम किसी चीज को एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते किसी ने अपने वीडियो में क्या डाला और क्यों डाला, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वाइल्ड एनिमल, ये जो लॉयन एज ए रेमेडी आता है, ये ऐसा लॉयन नहीं है जो किसी के ऊपर अटैक कर रहा है ना, ये लॉयन होता है एकदम जो सीधा एकदम खड़ा होता है और बिल्कुल सॉफ्ट नेचर के अंदर होता है, ये सिर्फ अपना दबदबा दिखा रहा होता है। तो वो जो पोजीशन होती है वो बहुत मैटर करती है। जब हम बोलते हैं कोई ऐसी पेंटिंग मत लगाओ जिसमें कोई किसी पे अटैक कर रहा है या वाइल्ड एनिमल है, ये यहाँ पर इसकी जो वो है ना अप्रोच, वो वैसी होती ही नहीं है पहली चीज। तो ऐसा हम आपको ये नहीं करेंगे आपने ऐसा लॉयन लगाना जो ऐसे अटैक कर रहा हो, नहीं, आपने वो लॉयन लगाना जो खड़ा हुआ है, जो सिर्फ अपना रुतबा दिखा रहा है। जैसे ये देखिए, अब ये शांत है ना, तो ये तो अपना सिर्फ रुतबा दिखा रहा है कि मैं राजा हूं बस। तो ये वो वाली बात है, ये जुपिटर की वैसी वाली फॉर्म है, ठीक है। इसके इसको लगाने से आपको अच्छा फायदा मिल जाता है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक जो दूसरी रेमेडी अच्छा काम करती है वो लॉर्ड धन्वंतरी। इसमें आप चाहें तो फोटोग्राफ आपको लगाना हो लॉर्ड धन्वंतरी का, आप वो भी लगा सकते हैं। ब्रास के लॉर्ड धन्वंतरी हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ब्रास में आपको लॉर्ड धन्वंतरी अवेलेबल होते हैं 6 इंच 8 इंच 10 इंच सब तरह से अवेलेबल है, तो 6 इंच तक के भी आप यूज करेंगे इट इज गुड। स्पेशली अगर आप किसी डॉक्टर का वास्तु कर रहे हैं, उसके क्लिनिक का वास्तु कर रहे हैं, तो आप वहां पर लॉर्ड धन्वंतरी को जरूर इंस्टॉल कीजिए। वैसे भी डॉक्टर के बैठने के लिए भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी जगह है। लॉर्ड धन्वंतरी को वहां पर एस्टेब्लिश करने से एक तो उनके पेशे में फायदा होगा, उनकी दवाइयां जो है वो लोगों को लगेंगी, साथ ही साथ अगर हम अपने घर के अंदर लॉर्ड धन्वंतरी को लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब देखिए ये आयुर्वेद के देवता है, ठीक है, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। इनके हाथ में जो कलश है वो अमृत का कलश है, ये प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेके। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि हम ये मानते हैं कि लॉर्ड धन्वंतरी को एस्टेब्लिश करने से या अपने घर के अंदर उनकी प्रतिमा या फोटोग्राफ रखने से, और खास तौर से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो जोन है इस चीज का हेल्थ का, वहां पर रखने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी, हेल्थ के अंदर हमें फायदा मिलेगा। और अगर हमारी हेल्थ कहीं खराब हो रही है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं से हमें देखिए कोई रेमेडी रखने से हेल्थ एकदम ठीक नहीं हो जाएगी। कल तक किसी की किडनी खराब थी, आज ठीक हो जाएगी क्योंकि मैंने वहां पर एक लॉर्ड धन्वंतरी का स्टैचू रख लिया, है ना। कई लोग ऐसे जब सेमिनार कर रहे होते हैं तो ऐसी बात बोलते हैं तो लोग तालियां बजाने लग जाते हैं कि पता नहीं क्यों, बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि वहां पर रखने से किडनी ठीक हो जाएगी। किडनी ठीक होगी, आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है जो किडनी ठीक कर दे, लेकिन किडनी नहीं ठीक होगी, मतलब ये रखने से नहीं होगा, ये रखने से आपको दिशा मिल सकती है। यानी कि अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये चीज रखने से डायबिटीज, इसका मतलब ये नहीं डायबिटीज ठीक हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि उनको कोई दिशा मिलेगी, उनको कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा या उनको कोई ऐसा जरिया मिलेगा जो उस चीज को ठीक करेगा, ये पर्पज ये होता है उसको रखने का। तो कई बार हमारे को ऐसी कोई समस्या है जहां पर कि हमें ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, जब हम ऐसे रेमेडी इंस्टॉल करते हैं, वास्तु करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वास्तु से ठीक होने लग जाएंगे, ठीक है, हम ठीक होंगे
कि वास्तु से हमें वो डॉक्टर तक पहुंचने में मदद मिलेगी, या जो उसका इलाज है उसको समझने में मदद मिलेगी, या दवाइयां हमारे ऊपर अच्छे से काम करना शुरू करेंगी। ये लॉजिक है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इस चीज का कभी क्रेडिट नहीं लेना कि मैंने उसका ये रखवाया और उसका ये ठीक हो गया, मैंने उसका वो रखवाया वो ठीक हो गया। ये सब उनके करने के लिए ज्यादा जरूरी है जिनको बहुत मार्केटिंग करनी है, जिनके पास कोई क्लाइंट ही नहीं आ रहा, तो ऐसे ऐसे ही चीजें चार बताएंगे तो भाई 10 लोग कहेंगे अच्छा अच्छा चलो जी मेरा भी ठीक कर दो। नहीं, इन चीजों का कभी क्रेडिट मत लीजिए, खासतौर से किसी की बीमारी का। अगर हमने वास्तु करा और किसी की बीमारी ठीक हो गई तो समझ लीजिए वो भगवान ने ठीक करी, हमने ठीक नहीं करी। हमारा काम है ट्रीटमेंट बस, जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है, ठीक करना ना करना वो ईश्वर के हाथ में है, हमारा काम भी वही है। हमारा काम है ट्रीट करना, वी ट्रीट एंड ही क्योर्स, बस वो फाइनल है। तो इसलिए कभी उसका श्रेय मत लीजिए ज्यादा कि मैंने एक बंदे के ना ऐसे लगाया अगले दिन उसकी डायबिटीज खत्म हुई, तो वो भगवान ने करी। हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमने ट्रीटमेंट करा, ठीक है। तो कभी भी उसका क्रेडिट ज्यादा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना, वो क्रेडिट भगवान को ही जाता है, वही है ईश्वर ठीक करने वाला। हमारा काम है, हमें एक अगर किसी विद्या की नॉलेज हुई तो बस हमारा काम इतना है कि हमने उसका ट्रीटमेंट करा है, ठीक करना ना करना हमारे हाथ में नहीं है। डायबिटीज से, कैंसर से, इवन टीबी से, टीबी का जबकि इलाज संभव है, आज भी इस देश में लाखों लोग टीबी से मरते हैं। क्यों मर जाते हैं जब इलाज संभव है? डॉक्टर तो सबको एक जैसी मेडिसिन देता है, वो फिक्स है, फिर भी मर जाते हैं। रीजन बीइंग कि डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन दे सकता है, इलाज कर सकता है, फाइनल कॉल भगवान के हाथ में। इसका मतलब ये नहीं कि हम इलाज ना कराएं, इलाज कराना जरूरी है हमारा डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर भी जब इलाज करता है तो 10 में से एक आध व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या एक आध व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं होती, या दो की ठीक नहीं होती, कई बार तीन की नहीं होती। तो इसका मतलब कोई और ताकत है उस दवाई से आगे, जो उस दवाई के असर को बढ़ाती या कम कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। तो बस उसी को श्रेय देना है, हमारे रेमेडी करने से कुछ नहीं होने वाला। हम रेमेडी करना, हमारा सिर्फ इलाज करना है, ठीक करना ना करना वो ईश्वर के हाथ में है। तो क्रेडिट गोज टू गॉड, ठीक है। हमारा काम, हमने इलाज कर दिया, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। तो ये अच्छी रेमेडी है, यूज की जा सकती है। स्पेशली मैं फिर से बोलूंगा, आप हॉस्पिटल का वास्तु करने जा रहे हैं प्रोफेशनली, वहां पर इसको यूज कीजिए। आप किसी डॉक्टर का वास्तु करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर इसको यूज कीजिए। अगर आप अपने घर के अंदर ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, इसको यूज कीजिए। रीजन बीइंग, आपको कोई ना कोई जरिया मिलेगा, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आप हो सकता है कि उस बीमारी के ऊपर पार पा पाए, ठीक है ना। तो इसको उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्वॉर्ड की एक रेमेडी है, इसके लिए दो जगह है स्वॉर्ड की। देखिए, पहली चीज ये समझना, स्वॉर्ड क्या रिफ्लेक्ट करती है? स्वॉर्ड रिफ्लेक्ट करती है विक्ट्री को, जीत को। तो नॉर्मली कोर्ट केसेस वगैरह जब ऐसी चीजें होती हैं, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। आप कभी कभार, जैसे कई लोग राजपूत होते हैं पुराने, आप राजस्थान में या कई गांव वगैरह में आज भी जाते हैं, तो भाई ये राजपूतों के घर हैं, तो वो तलवारें ऐसे करके लगा रखी होती हैं, फिल्मों में आप देखेंगे, महलों में लगा रखी होती हैं। दैट इज सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ विक्ट्री। तलवार जो है वो जीत की निशानी है, ये कोई लड़ाई झगड़े की निशानी नहीं है, ये जीत की निशानी है, सक्सेस की निशानी है। अब ये जो सक्सेस का जो सिंबल है, ये ऐसा नहीं हमारे घरों में शुरू से लगता आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं। कहां पर यूज कर सकते हैं आप? दो इसके लिए बहुत अच्छी जगह बन सकती है। नॉर्थ वेस्ट में चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, यहां लिखा हुआ भी है, लेकिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वो जयंत की स्वयं की जगह, जब देवता पढ़ेंगे तो मैं आपको जयंत के बारे में बताऊंगा। जयंत की स्वयं की जगह है, और जयंत जो देवता है उनका मतलब ही विक्ट्री है, तो वहां पर भी आप तलवार को यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज समझिएगा कि ये जो तलवार है, ये बेसिकली प्लैनेट को शो करती है, मार्स को। कोई भी चीज जो नोकीली है, जो शार्प है, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, वो मार्स को शो करता है, प्लैनेट को। तो वहां पर आप ये मान के चलिए कि जब ये तलवार आप रखेंगे, ठीक है ना, तो ये जो डायरेक्शन है लाल किताब के अकॉर्डिंग, ये डायरेक्शन आपकी आती है ईस्टर्न वॉल पे, जब आप लगाते हैं तो फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करती है। फिफ्थ हाउस के अंदर मार्स बहुत अच्छा होता है, है ना। ज्यादातर डॉक्टरों के और ऐसे लोगों के जिनका दवाइयों वगैरह का व्यापार है, उनकी कुंडली के अंदर ये चीज मिलती है। तो फिफ्थ हाउस का मार्स बहुत अच्छा होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और ईस्ट डायरेक्शन भी फर्स्ट हाउस में भी मार्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छा काम करती है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है, इसके अलावा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इसको और लिखिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप इसको लगाएंगे तो इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया होंगे, आपको इससे अच्छा फायदा होगा, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर आपके कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, है ना,
तो आप उस केस के अंदर ये जो स्वॉर्ड है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि ताकि कोर्ट केस के अंदर हमें सक्सेस वगैरह मिले। उस केस में अभी एक और रेमेडी आएगी, अशोका पिलर को नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, इसको नॉर्थ वेस्ट में मत लगाइए, इसको आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट, आपको उससे फायदा मिलेगा, राइट। इसके बाद इंद्र आते हैं। इंद्र जो है देवताओं के अंदर, देखिए इंद्र की कथा एकदम अलग है। देखिए हम लोग इंद्र को ज्यादा कथाओं के अंदर ऐसा दिखाया गया कि बहुत मैनिपुलेटिंग, अपना सिंहासन बचाने में लगे हुए हैं। कई बार कोई सीरियल वीरियल आप टीवी पे देखते हो, मतलब बहुत कम देखता हूं, लेकिन कभी कभार ऐसा छोटा मोटा कोई देखा तो ऐसे दिखाते हैं जैसे किसी विलन के रूप में, कि मतलब बहुत चलाक है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। आप ये देखिए कि जो वेद जहां से स्टार्ट होते हैं, ऋग्वेद में अकेले ऋग्वेद के अंदर ही 250 से ज्यादा जो सूत्र है वो इंद्र के बारे में है। इंद्र को बहुत ताकतवर माना गया है, तो इंद्र के पास ताकत है, इंद्र के पास क्षमता है। तो भगवान जो इंद्र है इनको अगर आप एस्टेब्लिश करते, देखिए इनके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज, जैसे कि आप हर कहानी में सुनते हो कि भगवान इंद्र का सिंहासन खतरे में था, ठीक है, और वो उन्होंने बचा लिया, हर कहानी में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप ये समझिए कि ही इज वेरी सक्सेसफुल इन मैनेजिंग पीपल, पीपल मैनेजमेंट के अंदर बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक है, राजा है, देवताओं के राजा है, उनको पता है कैसे काम करना है, ताकतवर है ना, सबसे ज्यादा ताकतवर है। और सबसे बड़ी चीज, रहम नहीं खाते, असुरों का विनाश करने के अंदर इंद्र सबसे आगे थे, बाकी देवता कभी कभार असुरों को आशीर्वाद भी दे देते थे। मतलब भगवान शिव की आप बहुत कथा सुने होंगे, भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, किसी और को आशीर्वाद दे दिया, वो उनके लिए उनके दिल में एक नरमी भी थी, लेकिन इंद्र के दिल में नहीं थी इतनी नरमी। इंद्र का काम था कि अगर असुर है तो मैं उसको वध करूंगा, तो इंद्र बहुत ताकतवर है, इसीलिए देवराज है, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे मानिए कि इनको रखने से ना एक वो ताकत मिलती है आपको, लोगों को मैनेज करने में, अपने सोशल एसोसिएशन को मैनेज करने में, इस चीज के अंदर आपको क्षमताएं आपकी बढ़ती हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी अगर आपके काम है, या आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो, ठेके लेते हो, या गवर्नमेंट से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हो, या आप कोई पॉलिटिशियन हो, तो भी आप इंद्र की जो ये प्रतिमा है इसको यहाँ पर रख सकते हो ईस्ट के अंदर। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट से ही हमें काम लेना है तो बेस्ट हमारे लिए रहेगा कि हम यहाँ पर सन को चूज करें। सन एज यूजुअल वेरी गुड, 7 फुट की हाइट पर इसको इंस्टॉल करना है, सन को वहां पर लगाइए आप। सूर्य देवता के बहुत ज्यादा फायदे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जीवन के कारक हैं पृथ्वी के ऊपर। सूर्य जो है वो आपके जो भी हेल्थ है उसके भी कहीं ना कहीं कारक है। अगर आपके घर में सूर्य की किरणें आती हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके घर में सूर्य की किरणें नहीं आती तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। जो लोग सनलाइट में ज्यादा रहते हैं उनको बहुत कम तकलीफ होती है, जो लोग सनलाइट में बहुत कम निकलते हैं उनको ज्यादा तकलीफें होती हैं। आज तो डॉक्टर भी कहते हैं कि हर किसी को विटामिन डी की दिक्कत है ना, और उससे 85 बीमारियां लोगों को डेवलप हो रही है, किसी के बैक में पेन है, किसी के बोन्स वीक है, किसी का कुछ है, किसी को कुछ है। तो सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑल्सो। सन जो है वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपके सोशल एसोसिएशन अगर अच्छे नहीं है या पॉलिटिकल दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सन, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सन को यूज कीजिए, आप देखेंगे कि उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट से कोई फायदा उठाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, तो भी सन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तब भी आपको सन को यहाँ पर लगाना फायदेमंद रहेगा, राइट। तो ये चीजें आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, इससे आपको कहीं ना कहीं आपकी क्षमताएं जो है वो बढ़ेंगी और आपको उससे बहुत अच्छा लाभ भी होगा। तो ये चीज, लेकिन मैं अगेन वही वाली बात आपको फिर से दोहराऊंगा, आप जितनी भी रेमेडी सुनेंगे आपको लगेगा ये बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने परचेज करनी है ना, ठीक है, आपने परचेज वो करनी है जिसकी उस व्यक्ति को जरूरत है, जो प्रॉब्लम से रिलेट कर रही है। ये नहीं कि फेम तो हर किसी को चाहिए, अच्छा पैसा तो हर किसी को चाहिए, ये तो हर किसी को चाहिए, हेल्थ तो हर किसी को, तो सारी रेमेडी नहीं लगानी अपने को, ना किसी क्लाइंट के यहां लगानी है। सबसे पहले कोर प्रॉब्लम फोकस कीजिए प्रॉब्लम के ऊपर और उसको यूज कीजिए। और सन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो सन की रेमेडी इज वेरी गुड। अगर ये बोले कि वास्तु के अंदर जो 4 या 5 रेमेडी सबसे ज्यादा यूज होती हैं, तो ग्रीन सीन, सन, रेड हॉर्सेस, व्हाइट हॉर्सेस, विलेज सीन, ये कुछ रेमेडीज हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, राइट। तो ये मेजर रेमेडीज हैं जो यूज होती हैं। तो सन जो है वो बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ईस्ट के अंदर सन को लगाते हैं और जाहिर सी बात है
एग्जॉल्टेशन का आपको रिजल्ट मिलता है सन का, कुंडली के हिसाब से आपको फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देता है सन, और वो जो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट मिलता है उसके हिसाब से आपको फायदा होता है, वो एग्जॉल्टेशन का रिजल्ट है, यू विल गेट गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। और कहीं ना कहीं जो सूर्य है अगर आप उसको देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल कब होता है, जब वो अपने रथ के ऊपर सवार होता है और उसके रथ के अंदर 7 घोड़े हैं। जो सूर्य के रथ के अंदर 7 घोड़े हैं वो ये हाइट है 7 फुट की, तो ये 7 फुट की हाइट पे लगाने पर वो एग्जॉल्टेशन वाला जो रिजल्ट है उसको प्रोड्यूस करता है सन। तो इट इज अ गुड रेमेडी, आप इसको लगा सकते हो और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं, तो ये चीज आपके लिए अच्छा काम करती है। फिर इसके बाद आता है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय अगेन समुद्र मंथन यानी कि चर्निंग से निकला है कामधेनु गाय का रूप। अभी कामधेनु गाय जो है ये एज ए रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है, कैसे, क्योंकि इसका कामधेनु गाय का जो मेन काम है वो है विश फुलफिलमेंट, है ना। मैंने वो परशुराम वाली भगवान की, जो परशुराम भगवान की स्टोरी थी वो भी आपको सुनाई थी, उसके अंदर भी वो जिक्र था कहीं। अभी आप इसको देखिए कि कामधेनु गाय वीनस को रिप्रेजेंट करती है, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। अब यहां पर आप देखिए कि ये हमने रखना कहां है इसको, ईस्ट साउथ ईस्ट में। जब आप 8 दिशाओं के वास्तु के हिसाब से जाते हैं ना, तो ईस्ट साउथ ईस्ट का आधा हिस्सा जो होता है वो साउथ ईस्ट में आता है। साउथ ईस्ट 12th हाउस माना गया है और वहां पर शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, इसीलिए यहां पर ये कामधेनु गाय को रखा जाता है, तो ये एग्जॉल्टेशन का रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। तो यहां पर इसको रखने से वीनस आपका बढ़िया आपको रिजल्ट देता है, और वीनस जो है वो बेसिकली विश फुलफिलमेंट और आपके डिजायर को पूरा करने में बहुत रोल अदा करता है। आपकी जिंदगी की जो भी लग्जरीज है, जो भी आप कार अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, जो भी कोई लग्जरी है, चाहे महंगी से महंगी घड़ी, चाहे आपका आईफोन, वो सब के सब चीजें कहीं ना कहीं वीनस के साथ रिलेटेड है। तो वीनस का अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता है इसके अंदर, तो कामधेनु गाय को आप रख सकते हो। इसका मेन काम है विश फुलफिलमेंट का। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जहां पर कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और आप उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वहां पर भी कामधेनु गाय आपकी मदद कर सकती है। ऐसे केस में भी आपके दिमाग में अगर बहुत ज्यादा चर्निंग होती रहती है, बहुत ज्यादा आप सोचते रहते हो, तो अगर उसको भी आप चाहते हो कि भाई मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा काम हो जाए, और मैं जो इतना ज्यादा मेरे दिमाग में सब कुछ घूमता रहता है वो थोड़ा मेरे को शांति हो जाए, तो उस केस में भी आप कामधेनु गाय यूज कर सकते हो। राइट, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कुछ एक लोगों के सवाल लूंगा, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मैं लूंगा, जो लोग हाथ रेज करेंगे, मैं हैंड रेज करेंगे, मैं उनका क्वेश्चन अभी ले लूंगा। राइट, फिर बाकी क्वेश्चन लास्ट में लेंगे, ताकि मैं देख लूं मिड ऑफ द सेशन अगर कोई दिक्कत है तो पहले एक बार उसको चेक कर ले। ठीक है, ओके, गिन्नी जैन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी बोलिए सर। आपने वो काम ये बताया जो कुबेर जी नॉर्थ में रखने के लिए, हाँ जी, तो हम उसे तिजोरी में भी रख सकते हैं। तिजोरी से बेटर अगर आप ओपन में रखेंगे तो बेटर है, तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा अगर तिजोरी में ही रखना है तो तिजोरी के ऊपर रख दीजिए, है ना। और सर अगर मतलब एक उसमें यही क्वेश्चन था, अगर हम तिजोरी नॉर्थ ईस्ट में ना रख पाए और वहां पे मतलब सिर्फ नॉर्थ में कुबेर रख दें, तो क्या वो भी वही इफेक्ट देगा? देखो, जो हमने लॉकर की बात करी थी वो एक अलग चीज है ना, दो चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। लॉकर एक अलग चीज है, लॉकर को लॉकर की तरह लीजिए। और कुबेर का जहां तक सवाल है, आपके घर के अंदर आपकी तिजोरी वेस्ट में भी हो सकती है, बहुत अच्छी है, साउथ वेस्ट में भी बहुत अच्छी है, नॉर्थ के अलावा आपका साउथ ईस्ट में भी काम कर जाएगी, साउथ में भी काम कर जाएगी, लेकिन कुबेर को इन सब जगहों पर रखने की बजाय नॉर्थ में ही रखिए, उनको नॉर्थ में ही रखना है, उनका इस बात से लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो उनको आप नॉर्थ में रखिए। ठीक है जी, ओके जी। अर्पित अनम्यूट करो अपने आप को। सर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि ये जो भी आपने रेमेडीज बताई है, तो कभी किसी का टॉयलेट सीट नहीं लेकिन पापा टॉयलेट आ रहा है, या मतलब वॉशरूम आ रहा है नॉर्मल जहाँ पे नहाते धोते हैं, या कोई जोन छोटा बड़ा है, क्योंकि ऐसा सुना गया कि बैलेंस करके यूज करना चाहिए, इन सब चीजों में इसका क्या यूज रहेगा, वो आप आगे कवर कर लीजिए, या तो अगर अभी बता दो, अभी बता दीजिए। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि अब एक तो म्यूट कर लीजिए, आप ये कहना चाहते हो कि रेमेडी को रखने के लिए अगर वहां पर कोई गलत एरिया आ रहा है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। अर्पित अपने आप को एक बारी अनम्यूट करो। अर्पित
मैंने आपको यहां से अनम्यूट कर दिया, करो। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं। देवेंद्र जी आप बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था जो अर्पित जी कह रहे थे। मैं थोड़ा मे भी सर इसमें मान लीजिए जो ये कह रहे हैं कि टॉयलेट आ रहा है, अगर मान लीजिए वहां पे जोन अभी आपने एक्सटेंडेड और कट जोन नहीं लिया है, लेकिन अगर मान लीजिए एक्सटेंडेड या कट है तो एक्सटेंडेड में हम उस रेमेडी को रख सकते हैं एक्सटेंडेड में बैलेंस करके? देखिए पहली चीज एक बात समझिए कि हमें जो बैलेंसिंग करनी है वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। रेमेडी एक अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये आता है कि वहां पर टॉयलेट है या कुछ भी ऐसी चीज आ रही है ना, तो पहली चीज समझिए इसमें से बहुत सारी चीजें देवता हैं, ठीक है। जैसे सूर्य भगवान है, इंद्र है, ठीक है, इवन लॉर्ड धन्वंतरी है या कोई भी ऐसी चीज, ये टॉयलेट में नहीं रखी जा सकती चीजें। पहली चीज आपको ये तो मान के चलिए कि जहां पर कूड़ा रखा है, जहां टॉयलेट है, तो वहां पर नहीं रखना आपको। और एक जोन में खाली टॉयलेट आ रहा होगा ये संभव नहीं है, इसका मतलब आपका घर जरूरत से ज्यादा बड़ा है। क्योंकि अगर 16 जोन होते हैं और एक जोन में सिर्फ टॉयलेट आ रहा है आपका, तो आपका घर या तो जरूरत से ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा है, या टॉयलेट जरूरत से ज्यादा बहुत बड़ा है ना। या तो आपका घर है 400-300 स्क्वायर फीट का, या आपका टॉयलेट 400-500 स्क्वायर फीट का है, तब ऐसा कुछ हो रहा होगा। अदरवाइज टॉयलेट के अलावा भी जगह मिलेगी आपको एक जोन के अंदर जब आप उसको ड्रॉ करेंगे। आप अपनी अपनी ड्रॉइंग्स देख लीजिए, जो जो आपने अभी तक सीखा है उसके हिसाब से आपने ग्रिड लगाए हैं, आप उसको चेक कर लीजिए। आपके पास किसी भी जोन में टॉयलेट आ रहा है तो बाहर आपके पास जोन में जगह है, पहली चीज। फिर भी अगर आपके पास जगह नहीं है, फॉरगेट इट, जो काम नहीं हो सकता कुदरत ने आपको अलाउ ही नहीं करा करने के लिए, मत कीजिए। यानी कि उस जगह पर वो रेमेडी आप यूज मत कीजिए, कोई और रेमेडी यूज कर लीजिए, फेयर इनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। उसको आप एज इट इज समझिए, लेकिन इस चीज में मत जाइए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। उस चीज को समझिए थोड़ा सा कि जरूरी नहीं है कि हमें रेमेडी को वहां पर टॉयलेट आ रहा है तो हमने टॉयलेट के अंदर रख देना है, नहीं, वो आपको बैकफायर कर जाएगा। किसी देवता की चीज को या किसी भी चीज को ऐसी जो बहुत शुभ है, जैसे हमने बहुत सारे सिंबल्स बताए, बहुत सारी चीजें बताई, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर टॉयलेट आ रहा है हम टॉयलेट के अंदर रख देंगे, नहीं, नेवर, वो आपने नहीं करना। जोन कट है, एक्सटेंडेड है, उनकी बैलेंसिंग आपने बैलेंसिंग के मेथड से करनी है। और हाँ, कई जगह जहां पर कट जोन है और उसकी आपको प्रॉब्लम भी आ रही है तो वहां पर रेमेडी लगाने से आपको ज्यादा फायदा दिखाई भी देगा, ठीक है ना। जोन कट है, आपको प्रॉब्लम भी आ रही है, आपने वहां रेमेडी लगाई, आपको फायदा भी दिखाई देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी चीज, किचन एक ऐसी जगह है जहां पर आप सोचोगे कि कूड़ा करकट नहीं है तो चलो भाई रख देते हैं, रख सकते हो, पर किचन के उस हिस्से में जो साफ सुथरा है, ये नहीं कि सिंक के ऊपर रखा हुआ है या सिंक के ऊपर शेल्फ है वहां पर रखा हुआ है, या जहां पर आप चूल्हे पे खाना बना रहे हो उसके ऊपर आपने सन लगा दिया, आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा धुआं जा रहा है वहां पर 24 घंटे, आग लग रही है नीचे, फायर है, आप वहां पर मत करिए। किचन आज की डेट में लोगों के बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत स्पेस होता है किचन के अंदर, ठीक है, किचन की आपके पास एक दीवार है, वहां पर जगह खाली है, वहां पर एक साफ सुथरा एरिया है, वहां पर आपका कोई कूड़ा करकट वाला चीज नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। रेमेडी में बेडरूम में रख सकता हूं, नहीं रख सकते, आप रख सकते हो, रेमेडी का बेडरूम से भी कोई खास दिक्कत नहीं। टॉयलेट में बिल्कुल भी मत रखिएगा अंदर। कई रेमेडीज हैं जो टॉयलेट के अंदर रख सकते हैं, वो मैं जब बताऊंगा उनके बारे में तो मैं जिक्र करूंगा, वो आप रख सकते हो, लेकिन इन जनरल ये जो रेमेडीज बताई हैं ऐसे आपने इनको टॉयलेट के अंदर नहीं रखना, ये रेमेडीज टॉयलेट में रखने वाली नहीं है, तो इनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, टॉयलेट के अंदर मत रखिएगा रेमेडीज को, राइट, ओके। पारुल जी बोलिए, अनलॉक कर दिया। हेलो सर, ये जो आप रेमेडीज बता रहे हैं ये कोर वास्तु से ही है ना, एस्ट्रो वास्तु की तो नहीं है ना फिलहाल? मैं देखो, पता क्या होता है, दो चीजें समझना, एक तरीका ये है, देखो आप मेरे से सीखने आए हो, ठीक है, तो मेरे को ये है कि मैं आपको पूरी बात सिखा दूं, मेरे को ये पर्पस तो है नहीं कि यार अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया कि ये मंगल है या ये तो भाई आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, मेरे को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक तो आपने कितने लोगों ने मेरे को मैसेज डाल चुके हो कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, मैंने किसी को भेजा नहीं अभी तक कुछ भी, तो मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं है खास। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर आप सीख रहे हो और आप कभी किसी का वास्तु करो तो आपको पता होना चाहिए चीज के बारे में, नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं इसके लिए भी एक अलग से कोर्स आपको कराऊंगी, हाँ जी मैं ये बताऊंगा इसमें स्पेशल, तो ये तो बेवकूफियों वाली बात है। अब जब आप सीख ही रहे हो तो पूरी बात समझ जाओगे कौन सी रेमेडी किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्यों रख रहे हैं वहां पर, उसकी जगह क्या है और आप क्यों वहां पर उसको रख रहे हो, ठीक है ना। आपको अगर थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा तो कम से कम आप किसी व्यक्ति का अगर वास्तु करोगे तो थोड़ा और अच्छे से कर लोगे, आपको उसमें सहूलियत महसूस हो जाएगी थोड़ी सी। तो पर्पस बेसिकली ये है, इसका
देखो रेमेडी का एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी है यूजली, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, ये सिर्फ वास्तु की रेमेडी, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ अच्छे से, इसलिए मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँ। अगर मेरे को ये होता कि भाई आप माल खरीदो तो मैं कुछ बोलता ही ना एक शब्द भी, मैं कहता ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसका भी ऑर्डर करो, उसका भी ऑर्डर करो, सबको ऑर्डर करो। और मैं तो आप सबको ये बोलूंगा कि ये जो जितनी भी रेमेडीज है अमेजोन वगैरह पे सब जगह मिल रही है, जहां से मिले ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से, लेकिन ज्यादा कुछ भी मत लो, ये रेमेडीज वगैरह ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, जो जरूरी है सिर्फ वो। तो एस्ट्रोलॉजिकल कुछ नहीं है। हाँ, लाल किताब के थ्रू ये चैनल है पूरा का पूरा, ये जो रेमेडीज का वास्तु की, ज्यादातर चीजें आपको लाल किताब से मैच कर जाएंगी। लाल किताब जो लोग एस्ट्रो वास्तु कोर्स कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें भी लाल किताब मैंने शुरू नहीं करा, उनको लाल किताब का अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। लाल किताब सारा का सारा पूरा का पूरा कवर्ड है उसके अंदर, एवरी सिंगल थिंग, मतलब कॉम्बिनेशन, रेमेडीज, एवरी सिंगल थिंग इज कवर्ड। मतलब घर का जो आप मकान कुंडली बनाते हो, मकान कुंडली से कैसे लाल किताब में देखोगे, क्या क्या चीजें देखोगे, वो सब उसके अंदर कवर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उनको कोई एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो लोग एस्ट्रो वास्तु का कोर्स कर रहे हैं उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है, उनका सब अभी कराऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अभी लाल किताब शुरू ही नहीं, अभी तो आप बेसिक सिर्फ राशि पढ़ी है, तो इसलिए अभी लाल किताब वगैरह वो सब उसके अंदर सब इंक्लूडेड है, ठीक है, डिटेल में। मतलब ऐसा नहीं, लाल किताब रेमेडीज से लेकर हर चीज तक इंक्लूडेड है। अगर कुछ लोग सिर्फ लाल किताब सीखना चाहते हैं कि लाल किताब और लाल किताब के थ्रू वास्तु कैसे होता है, सिर्फ वही सीखना चाहते हैं कुछ लोग, तो वो लोग मेरे को एक SMS, जो मेरा नंबर आपके पास है वो 8860, जो अभी स्लाइड पे भी आ रहा है 8860807, अगर वहां पर आप अपना एक SMS डाल दोगे, लाल किताब, सिर्फ लाल किताब लिख के डाल दीजिएगा SMS, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि कितने लोग सीखना चाहते हैं। तो अगर ज्यादा लोग सीखने में इंटरेस्टेड होंगे तो फिर हम उस हिसाब से लाल किताब का सेशन कर लेंगे और उसका कोई नॉमिनल फी रख लेंगे जो कि सब लोगों के लिए आसान हो, मंथली मोड पे या जैसे भी होगा वो पॉसिबल, वो हम उसको वैसे एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो वो आपको अगर चाहते हैं आप, आपको लगता है कि हाँ हमें लाल किताब सीखना है, तो आप डालिएगा SMS, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जो लोग डालेंगे हम उन्हीं को कॉन्टेक्ट करके बता देंगे कि कब शुरू कर रहे हैं, कैसे करेंगे, वो लोग वहां पर सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें दिमाग मत लगाना, खाली ये मत सोचना कि रेमेडी सीखने के लिए लाल किताब करनी है, फिर मत करना कुछ भी, लाल किताब वाल किताब मत सीखना। अगर इंटरेस्ट है तब सीखना, ये नहीं कि ये वास्तु के बारे में जानना है रेमेडी के लिए, ये तो मैं बता ही रहा हूं, और अगर कोई और दिक्कत आ जाए तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, उसके लिए मत सीखना। लाल किताब सीखनी हो तब सीखना, अदरवाइज कोई वो नहीं है मारा मारी उस चीज की, राइट। दुर्गा चरण जी बोलिए क्वेश्चन। तो आप एक मैसेज डाल दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा लाल किताब और व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वी विल सी कि क्या कर सकते हैं उसके अंदर। दुर्गा चरण जी बोलिए। सर जो गणेश जी का बोल रहे थे नॉर्थ ईस्ट में रखने के लिए, उनका कलर क्या ब्लैक होगा? किस चीज का? ग्रानाइट का जो मूर्ति आता है स्टैचू उसका। नहीं, किसका मूर्ति, कौन सी मूर्ति के बारे में बात कर रहे हो आप? गणेश जी का ब्लैक मूर्ति? नहीं नहीं, नॉर्मल मूर्ति रखिए, कुछ भी कोई उसमें, यार इतना दिमाग मत लगाओ, इसी में सारा कंफ्यूजन हो जाता है लोग, इसीलिए लोग बाहर बेवकूफ बनाते फिरते रहते हैं, कहते हैं जी यहाँ पर आपने लाल क्यों लगा लिया पिरामिड, यहाँ नीला पिरामिड लगा लो, वहाँ काला लगा लो, ये वाटर पिरामिड है या फायर पिरामिड है, वो सब कहानी शुरू हो जाती है, ये सब फिर बेवकूफियां बढ़ जाती है, इसमें होता होता कुछ नहीं है। इसमें गणेश जी का कलर नहीं देखना यार, हम भगवान गणेश जी जैसे आप रखते हो घर के अंदर, अगर आपने संगमरमर के रखे हुए तो व्हाइट है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत क्या है, मूर्तियां सारी व्हाइट होती है, है ना, ये जरूरी नहीं है ये नॉर्थ में रखना है तो ब्लैक रख दो, ऐसा कुछ ऐसा कोई लॉजिक मत लगाना, जस्ट गणेश जी में रखना है। अगर वो आपके घर में गणेश जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिद्धि विनायक टेम्पल वाले जो गणेश जी है वो शायद उनका कलर रेड है ना, मैंने जा नहीं पाया, बॉम्बे गया था एक आध बार तो पहुंच नहीं पाया वहां पर, जब भगवान बुलाते ही नहीं तो कोई जा भी नहीं पाता भाई, क्या करें मतलब हमारे बदकिस्मती नहीं जा पाए दो चार बार जाने के बाद भी तो, लेकिन अगर वो रेड कलर में भी है भगवान गणेश की मूर्ति आपके घर में, वो भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो वास्तु वाले को लॉजिक मत लगाना कि मैंने यहाँ रखना, मैं पीला लेकर आऊँ कि नीला लेकर आऊँ, वो सब मत लगाना, उससे भ्रम फैलता है, कुछ होता हुआ नहीं वास्तु का, नहीं होता उसे भ्रम ज्यादा फैलेगा, तो वो सब काम नहीं करना है ना, सिंपल आप लगा लो वो रेमेडी यूज करो, ठीक है। ओके अभिषेक बोलो। अभिषेक बोलो जल्दी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि रेमेडीज का कब तक यूज करना चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट मिलने के बाद
कितना दिन तक यूज करना चाहिए? देखो कितने दिन का इसमें कोई सवाल नहीं होता, जैसे मान लो कई रेमेडीज ना बहुत जनरल है, जनरल मतलब जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सन है, अब सन को देखो आप एक जनरल रेमेडी इसलिए भी है क्योंकि सोशल एसोसिएशन, अच्छे रिलेशनशिप है ना, ये सब आपको जिंदगी भर रिक्वायरमेंट है, अगर आपको असर कर रही है वो रेमेडी आप उसे लगाए रख सकते हो। कई रेमेडीज बिल्कुल स्पेसिफिक है फॉर अ टाइम बिंग, मान लो जैसे हमने बोला कि भाई जॉब नहीं लग रही, ब्लू बॉटल के अंदर मनी प्लांट लगा के रख लो, जॉब लग गई हटा भी सकते हो, कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ रेमेडीज हैं जो स्पेसिफिक हैं, एक पर्पस के लिए यूज हो रही हैं, कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो कि जनरल वो चीज हमें लाइफ के अंदर चाहिए चाहिए, जॉब आपको बार बार तो चाहिए नहीं, जॉब लग गई आपका रेमेडी काम हो गया, आप उसको हटाना चाहो हटा सकते हो। आपकी कोई रेमेडी ऐसे लगाई है जैसे मान लो ग्रीन सीन है, आपने ग्रीन सीन लगाया, क्लाइंट आपके पास ज्यादा आने लग गए, अपॉर्चुनिटी ज्यादा आने लग गई, तो क्या फर्क पड़ रहा है, लगे रहने दो, आते रहेंगे ज्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिकली वो जो एस्पेक्ट है लाइफ के अंदर वो हमारे लिए कैसा काम करेगा, कैसे चलेगा, उसके ऊपर है, बाकी सब चीजों में ज्यादा लॉजिक मत लगाना उसके अंदर, वो सब वैसे ही चलता रहने दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जिसकी जरूरत है उसको कंटिन्यू करते रहो, कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड देखो क्या चीज चाहिए, उस चीज को यूज कर लो, कोई उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। हाँ जी, और कोई नवीन, नवीन गुप्ता जी बोलिए। सर ये सन का आपने मेटल नहीं बताया, या फोटो लगानी है? ब्रास का सन यूज कर सकते हैं जी। राइट, कॉपर का भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, ये एक रेमेडी होती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कॉपर भी यूज कर लेंगे तो कोई मारा मारी नहीं है, अगर ईस्ट में कॉपर का भी सन लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रास एक माइल्ड एलिमेंट है जो हर जगह चल जाता है, इसलिए ब्रास लगा लीजिए। सर स्वास्तिक भी कॉपर का चल जाएगा अलग अलग जगहों पर? कॉपर की जगह उसमें ब्रास यूज कर लीजिए, ईस्ट वगैरह में लगा रहे हैं कॉपर भी चल जाएगा, है ना, क्योंकि जगह के ऊपर होता है, क्योंकि कॉपर जो है वो फायर एलिमेंट है, मार्स को रिप्रेजेंट करता है ज्यादातर, सन को भी कर लेता है, तो ये ईस्ट के अंदर ये ज्यादा अच्छे काम कर लेंगे, है ना, तो आप वहां पर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल वे में काम हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। ओके, अब ये मेरे को पता नहीं ये DJ70TTL ये लिखा हुआ है, मैंने अनम्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, नाम नहीं आ रहा, कुछ कोड आ रहा है। तब तक निवेदिता जी मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया, क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए। मेरे को ये पूछना था कि जैसे मनी प्लांट के लिए बोलते हैं कि वो क्रीपर होता है, हाँ जी, मतलब आपने बोला ना कि नॉर्थ में मनी प्लांट लगा सकते हैं, तो एज ए क्रीपर इट्स ओके? एज ए क्रीपर इट्स ओके, मैंने बताया वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, दोनों चीजें समझिएगा, प्रॉब्लम थी जॉब नहीं लग रही, और मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जॉब लग गई तो आप उसको हटा सकते हो। ओके ओके, है ना, दोनों चीजों को, बात को समझिएगा कि हमने बोला कि आपकी जॉब नहीं लग रही यूज कीजिए, जॉब लग गई रिमूव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं जैसे अगर हाँ जी जॉब के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटीज के लिए है, तो दूसरी रेमेडी यूज कर लीजिए, ग्रीन सीन लगा लीजिए ना, मैंने आपको इतने सारी ऑप्शन दे दी, आप जरूरी थोड़ी ना उसी पे रुकना है, कोई और ऑप्शन यूज कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अभी भी वो मैंने एक अनम्यूट कर रखा है, वो बोलना चाहे तो मुझे नाम नहीं दिख रहा यहाँ से। सर प्रियंका बोल रही हो? हाँ जी प्रियंका बोलिए। सर आपने जैसे बताया ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में कामधेनु गाय लगाने के लिए, और आपने बोला है कि उसको फ्लोर पे रखने का है, लेकिन अगर सपोज वहाँ पे अल्मिडा ऐसा कुछ है और हमारे पास फ्लोर पे उतना स्पेस नहीं है, तो अगर हम उसको ऊपर शेल्फ पे रख सकते हैं क्या? अल्मिडा के आगे रख लीजिए, साइड में रख लीजिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में बहुत जगह आ रही होगी, वो तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको ठीक रहेगा आपके लिए, है ना, तो अलमीरा ही नहीं आ रही होगी ईस्ट साउथ, इतनी बड़ी अलमीरा नहीं होगी ना कि ईस्ट साउथ ईस्ट में पूरी अलमीरा ही आ रही होगी, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे जगह होगी, यूज कर लीजिए। ओके, ऐसा दिक्कत है साउथ ईस्ट में भी रख लो, काम करेगी, चिंता मत करना, मैंने अभी लॉजिक समझा दिया ना आपको, साउथ ईस्ट का लॉजिक है मेजरली, ईस्ट साउथ ईस्ट में जो सेकंड हाफ है ईस्ट साउथ ईस्ट का, वहां इसलिए प्रोमिनेंट है बिकॉज की एक चर्निंग का इफेक्ट तो है ही कामधेनु गाय के अंदर, क्योंकि समुद्र मंथन में से निकला था ये एक रत्न, तो वहां पर थोड़ा और बढ़ जाता है। अगर आपको मान लीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट में बिल्कुल जगह नहीं मिल रही, थोड़ी सी साउथ ईस्ट में जगह मिल रही है, आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है, अगर नीचे रखते तो विजिबल नहीं रहता, इस वजह से मतलब कैसे बोलते हैं 3D इफेक्ट, विजिबल रहता है तो ज्यादा इफेक्ट देता है। आप बस किसी भी चीज के आगे रखिएगा, पीछे छुपा के मत रखिएगा, विजिबल इफेक्ट आएगा। ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और अगर किसी किसी का बिल्कुल ही पॉसिबल ही ना हो रहा हो नीचे रखना, पॉसिबल ही नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको
किसी फ्लोर के ऊपर भी, अब मान लीजिए जगह है ही नहीं हमारे पास, बहुत दिक्कत है, समस्या है या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो ऊपर अगर लगाना चाहे तो रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके सतीश, सतीश जी, संदीप जी, जल्दी जल्दी जल्दी, हेलो, समय कम है। सर हेलो, हाँ जी सर, मैं पूछ रही हूँ। बोलो बोलो सर। एक्चुअली सर, एक जोन में ना तीन तीन रेमेडीज है सर, एट ए टाइम हम लोग तीनों रेमेडी यूज कर सकते हैं, ओनली वन यूज करना है, जैसे कि नॉर्थ में या फिर तीनों रखनी क्यों है? मैं तो कह रहा हूँ टोटल पूरे घर में तीन रख लो, वो बहुत है। आप कह रहे हो एक जोन में तीन रेमेडी, एक जोन में तीन रखनी क्यों है रेमेडी? नहीं सर, ऐसे पूछ, मतलब रख सकते या नहीं रख सकते, बस बात रख सकते और ना रख सकते की है ही नहीं, बात यह है कि मुझे जरूरत है या नहीं है। अगर सपोज जरूरत रहा तो सर एट ए टाइम जरूरत है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी नीड है और मेरी नीड उसी से पूरी होती है तो ठीक है, चल रख सकते हैं, है ना। ओके, बात ओके। जरूरत की है, बात जरूरत नहीं है तो एक भी रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि एक भी मत रखो आप, है ना। संदीप जी बोलिए। सर ये जो टॉयलेट में सर जो हम जो रख सकते हैं सर, इसमें सर भगवान की तो नहीं रखनी है, बाकी सर कौन सी रख सकते हैं, बाकी रख सकते हैं जो आपने बताया ये जो टॉयलेट के अंदर? अभी मैं बता दूंगा और बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। लेकिन जैसे कोई मान लो नॉर्थ में ही टॉयलेट आ गया और आप कह रहे हो नॉर्थ में जगह ही नहीं है और मेरे को वो ब्लू बॉटल के अंदर मनी प्लांट रखना है, रख लो, प्लांट वैसे भी लोग रख लेते हैं आजकल टॉयलेट में, फैशन में भी है, लोग टॉयलेट की भी ब्यूटिफिकेशन कर लेते हैं तो रख सकते हो। बट जहां पर कोई भगवान से रिलेटेड चीज है ना, वो थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करो, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अब अगर मान लो कोई आदमी तलवार रखना चाहे तो रख लेगा, क्या दिक्कत है, तलवार थोड़ी ना कुछ कह रही है किसी को, है ना, तलवार कोई भगवान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अगर कोई रेमेडी है तो यू कैन प्लेस, बट अवॉइड लाइक, मतलब इवन कामधेनु गाय भी है तो उसको भी टॉयलेट में मत रखिए, मतलब है ना, जो भी कोई ऐसी चीजें हैं जो शुभ चीजें हैं उनको बिल्कुल मत रखिए। एक जो जनरल चीजें होती है वो हमारे घर में वैसे भी होती है, अब टॉयलेट के अंदर कोई कैंची है, कोई नाइफ पड़ा है, वो सब चीजें तो होती है ना हमारे, कैंची वैची बाल बाल ठीक करने के, ट्रिम करने के लिए हम रखते ही हैं, तो हर शार्प चीज मार्स है, वो तो हर मार्स ही है, तो प्लैनेट तो हर चीज है, प्लैनेट तो टॉयलेट सीट खुद राहु को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऐसा तो वो कुछ नहीं है। लेकिन जहां हम कोई देवता की पर्टिकुलरली मूर्ति लगा रहे हैं तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना। बाकी और कोई चीज ऐसी है जो शुभ है, जैसे अभी कामधेनु गाया या आगे चल के और भी रेमेडीज अभी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी तो आई थिंक 50% भी हमने कवर नहीं करी है, तो अभी तो पीछे बहुत सारी बाकी है, तो बेसिकली उसके लिए। सर दूसरा एक ये जो आपने जो कलर का जो है जैसे मानो सपोज मान के करो कोई जोन बड़ा है या छोटा है, और उसमें अगर हम जैसे आपने बताया कि जैसे ब्लू बॉटल में आप ग्रीन कलर का वो रख दिया, या फिर दूसरा जैसे सपोज हमने जोन अगर बड़ा हुआ है और उसमें दूसरे कलर का हम रख देते, तो क्या वो कलर से कुछ ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता सर? किस चीज का फर्क? फर्क सर जोन अगर सपोज बड़ा हुआ है या कम है और हमने उसका या तो एंटी कलर जो है मतलब एलिमेंट का कलर रख दिया, तो उससे कोई नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा? दो एग्जांपल दो। एक सपोज सर हमने साउथ में मान के चलो हमने ब्लू कलर का जैसे कोई चीज रख दिया, सपोज भगवान की मूर्ति, ब्लू कलर की भगवान की नहीं है, मैं अभी साउथ पे आया ही नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं एग्जांपल दो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में नहीं जाना। नॉर्थ के अंदर हमने मनी प्लांट रख दिया, मैंने बता दिया आपको लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होना ही नहीं। बाकी किसी रेमेडी के अंदर अभी तक कलर यूज हुआ ही नहीं ग्रीन को छोड़ के, आप समझ रहे हो? साउथ में आओगे तो हम कोई रेमेडी आपको बता ही नहीं रहे नीले पीले रंग की। सर नॉर्थ में अगर हमने रेड कलर के गणेश जी रख दिए तो? नॉर्थ के अंदर रेमेडी यही नहीं गणेश जी की, नॉर्थ ईस्ट है, फिर से देखो ध्यान से। अच्छा नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं रेड कलर के गणेश जी? रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान की जो सुंदरता है ना, अब जैसे मान लो अगर मान लो हमने भगवान श्री राम को रखा, ठीक है, और उसके अंदर हनुमान जी भी है और हनुमान जी का कलर लाल है उस मूर्ति के अंदर जी, तो जी वो मुझे प्रॉब्लम दे जाएगा, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा जी सर। हम ये बोल देते हैं कई बार कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर बना रहे हैं तो नीचे लाल कपड़ा मत बिछाइए, है ना, उसकी जगह कोई क्रीम कलर का कपड़ा बिछा लीजिए जो कि दिक्कत ना दे। लेकिन अगर जो भगवान है, भगवान के अंदर हम उस चीज को नहीं देते। अब शेरावाली माता है, ठीक है ना, अब उनके जो कपड़े होंगे वो रेडी होंगे थोड़े से,
टाइगर के अंदर भी रेड कलर की शेड आएंगी, तो ये थोड़ी ना कि उसको हम बदल देंगे, नहीं ठीक है वो इतना सब, अगर इतनी ज्यादा डिटेलिंग में चलेगा तो आपके घर में अभी भी सब कुछ ना कुछ नीले रंग का, आप बोलोगे मेरे यहाँ एक रेनॉल्ड का पेन ना साउथ में पड़ा है उसका ढक्कन नीले रंग का इसीलिए दिक्कत आ रही है, पैसे रुके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला उससे दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके कुणाल बोलिए, कुणाल मैंने अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। हेलो, हाँ जी कुणाल बोलिए। हाँ सर, ये जैसे स्वॉर्ड लगानी है हमने कोर्ट केस के लिए, हाँ जी कोर्ट केसेस की उसके लिए, तो इसका कोर्ट केस का जो बेसिक रीजन है, जो कारण होता है जिस वजह से होते हैं, उसको हाँ पहले क्लियर करके लगानी पड़ेगी या वैसे ही लगा दे? नहीं नहीं देखो ये तो रेमेडी है, ठीक है ना, कोर्ट केस तो आपका चल ही रहा होगा ना, हाँ जी, अब उसके डॉक्यूमेंट अलग जोन में जाएंगे, अशोका पिलर जो है वो अलग जगह पर लगा हुआ है और तलवार अपना काम करेगी, तो मैंने बोला तलवार को वहां पर भी यूज कर सकते हैं। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जहां पर हमें सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, स्वॉर्ड रिप्रेजेंट विक्ट्री, और अगर 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 उसको खत्म करना है जैसे कोर्ट केस खत्म ही हुए तो उसका बेसिक रीजन देखो आप समझो, मैंने आपको जब शुरू में बोला था ना, मैंने बोला सिंबल जब आप यूज करते हो तो आप ये नहीं सोचोगे कि ये सिंबल लगाने से तुरंत कुछ हो जाएगा इमीडिएट, आप ये सोचोगे कि ये सिंबल लगाने के बाद आपको चीजें आपके ट्रैक पर आनी शुरू होंगी। अगर मान लो मेरा कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है कि सामने वाली पार्टी कंप्रोमाइज ही नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने ये रेमेडी इंस्टॉल करी, उसके बाद सामने वाली पार्टी कहती है हाँ जी आ जाओ जी कंप्रोमाइज टेबल पे आ जाओ, मिल बैठ के फैसला कर ले। तो अभी ये नहीं कि तलवार लगाएंगे और अगले दिन मेरे कोर्ट का फैसला होना और वो मेरे फेवर में आ जाएगा कल, ये नहीं होना कुछ भी ऐसा। हाँ चीजें आपके लिए बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब उसके अंदर आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। एक चीज याद रखना, अगर मेरा क्लाइंट ये बोल रहा है ना भाई साहब खून तो मैंने ही करा है और कोर्ट केस भी जीतना है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ अगर मेरे को कोई ऐसी बात बोल देगा तो मैं उसका मैं तो वास्तु करूंगा नहीं, ठीक है ना, मैं किसी गलत मैं कोई देखो मेरा काम लॉयर वाला तो है नहीं कि भाई आपने कोई भी जुल्म कराओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो फीस से मतलब है नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई आता है और बोलता है जी वास्तु में ना करवा दो जी मेरा ना डाइवोर्स नहीं हो रहा, हाँ जी, तो मैं वो केस करता ही नहीं, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ भैया आप ये बताओ समस्या क्या आ रही है शादी चलने में, हम उस चीज के लिए वास्तु कर सकते हैं, डाइवोर्स करना ऐसा नहीं है वास्तु करके डाइवोर्स नहीं हो सकता है, प्रोसेस आसान हो सकता है, बट क्यों जो भी कोई नॉलेज है ये उसका गलत इस्तेमाल है, भले ही मैं कह रहा हूं वो बंदा परेशान है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन खाली पैसों के लिए हो सकता है कि उसका वाइफ का कोई फॉल्ट ही ना हो और वो जबरदस्ती कर रहा हो डाइवोर्स देना चाहता हूं, तो हम अपने एंड से गलत काम क्यों करेंगे? तो सर उसके फिर जो जिस वजह से जैसे अगर वो डाइवोर्स लेना चाह रहा है उसके वाइफ का फॉल्ट था या क्या था, तो पहले उसका रीजन जो है कोर्ट केस जिस वजह से हुआ उसको सॉल्व करेंगे और फिर ये रेमेडी लगाएं? पहली चीज मैंने आपको क्या बोला कि वो रीजन तो आप जो अपने एंड पे करोगे वो तो सब करोगे, ठीक है, रेमेडी तो आपको रास्ता दिखाने का जरिया है, ठीक है, आपका एक हेल्पिंग पॉइंट है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर हम वास्तु कर रहे हैं, मेरा एक चीज मानना है कि हम इस चीज के लिए वास्तु नहीं कर, किसी की संतान नहीं हो रही और वो बोले जी वास्तु करते हैं तो हम बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं करा जाना चाहिए। अब कोई बंदा ये बोले जी मेरे को लड़का नहीं हो रहा, समझिए, तो यार मैं क्यों करूं, क्यों, क्योंकि आधी दुनिया तो इस बात से परेशान है कि यार बच्चा ही नहीं हो रहा, अब तुम्हारे यहाँ लड़की हो रही है ईश्वर तुम्हें संतान दे रहा है तो अब तुम ये कह रहे हो कि भाई लड़की ना हो लड़का हो जाए, इस चीज के लिए वास्तु नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है बिल्कुल, ये मतलब हमारे प्रभु हम गलत स्टेप ले रहे हैं, ऑल्दो ऐसा नहीं कि ऐसे कोई उपाय बताए नहीं गए, बताए गए हैं, ठीक है, बट क्या हमें करना चाहिए ये काम? एथिकली राइट नहीं, एथिकली इट इज नॉट गुड, ठीक है ना, तो अगर मेरे को पता चल जाए बंदा गलत है मैं वो काम क्यों करूंगा। अच्छा एक चीज और थी सर, ये ब्लू बॉटल में हमने जो बोला था, ब्लू बॉटल आपने कहा राहु को रिप्रेजेंट करती है और मरकरी उसको रिप्रेजेंट करता है मनी प्लांट को, तो मनी प्लांट को ब्लू पॉट्स में भी लगा सकते हैं? लगा लो, लेकिन मैंने क्या बोला कि जो ग्लास की बॉटल है ना, ग्लास इटसेल्फ वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, लाल किताब के अंदर बहुत सारी रेमेडी हैं ग्लास के, उसके अंदर आप पानी भर के रख दो ग्लास के अंदर, तो ग्लास इटसेल्फ इज मरकरी। अच्छा और सर ब्लू ब्लू जो है वो शनि को रिप्रेजेंट नहीं करता?
ये आगे की बात है, एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। लास्ट क्वेश्चन है अभी इसका, पराक्रम सिंह जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए पराक्रम सिंह जी। सर जैसे कोई वेस्ट फेसिंग बिल्डिंग है और उसमें किसी डॉक्टर का क्लिनिक एरिया वो वेस्ट में आ रहा है, तो जो भगवान धन्वंतरी की फोटो है वो उस जो यूजिंग एरिया उसके एनएनई में लगाएंगे या पूरे प्लॉट के एनएनई में? जो देखो पूरे जो उसका जो ग्रिड बनेगा उसकी जगह का, जो उसका पूरा हॉस्पिटल है मान लो, या उसका नर्सिंग होम है या उसका, वहां पर तो उसके एनएनई में लगा दो, वो बेस्ट है। जो अब आप ये बोलो, हाँ जितना यूजेबल है, मतलब जो भी उसका एरिया है वो तो आप डिसाइड करोगे ना वास्तु के हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज, अब मान लो वहां पर आप बोलो कि वहां पर जी रखा ही नहीं जा सकता, वहीं टॉयलेट आ गया या कुछ आ गया, ये उसको आपको फिर ये समझाना पड़ेगा ये उसके लिए ज्यादा डेंजरस जगह है कि आपका एनएनई में टॉयलेट आ गया। एक हॉस्पिटल का एनएनई में टॉयलेट नहीं आना चाहिए, वो ज्यादा बेकार चीज है उनके लिए, ठीक है, पहली चीज। तो अदरवाइज वहां पर आप धन्वंतरी की, जो भगवान धन्वंतरी है उनकी आप प्रतिमा जो है स्थापित कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई डॉक्टर कहता है जी पूरे हॉस्पिटल से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा तो मैं अपना केबिन है बस इस हॉस्पिटल के अंदर, मेरा हॉस्पिटल से कनेक्शन ही नहीं है कोई, ठीक है, मेरा तो मेरा केबिन है भाई, मेरा पेशेंट सही काम करना चाहिए, तो आप उस केबिन का ग्रिड लगा लो, क्योंकि हॉस्पिटल का तो डॉक्टर पे, डॉक्टर का भी हॉस्पिटल के ऊपर कोई इख्तियार तो है नहीं, वो तो सिर्फ अपने अपना हिसाब किताब ठीक करना है। तो आप डॉक्टर को बोलो कि आप अपने केबिन के अंदर इस तरीके से बैठिए कि आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपकी दवाई लगेगी। दूसरी चीज, डॉक्टर को आप ये बोलो कि भाई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर एटलीस्ट ये जो लॉर्ड धन्वंतरी की एक प्रतिमा है वो रख लीजिए या फोटो लगा लीजिए, वो उनके लिए काम करेगी, तो फिर आप उस केबिन के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। सर एनएनई की वजह नहीं हो तो साउथ वेस्ट में भी बैठ सकते हैं उस केबिन के? नहीं, डॉक्टर बैठ सकते हैं, डॉक्टर एनएनई में बैठेंगे बहुत अच्छा है, साउथ वेस्ट में बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बैठ सकते हैं, लेकिन लॉर्ड धन्वंतरी की प्रतिमा एनएनई में ही लगेगी, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट साउथ वेस्ट में कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, एक लेवल और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो वो जो लाल किताब वाले लोग हैं वो आप जिनको भी करना हो एसएमएस, वो एसएमएस कर देना, देन वी विल प्लान। अगर कुछ लोग होंगे तभी हम उसको स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट स्टार्ट, राइट। तो जो भी लोग करेंगे उसको हम देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, वेट कीजिए एक मिनट। एक मिनट, ओके, आपको दिखाई दे रही है पीपीटी? सिर्फ टाइप करके बता दीजिएगा उसमें चैट बॉक्स के अंदर, मेरे को पता चल जाएगा, मेरे को पता नहीं चलता कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट इज आफ्टर कामधेनु गाय हमारे पास आते हैं रैबिट्स। रैबिट इज अगेन वेरी गुड रेमेडी। रैबिट देखो ईस्ट साउथ ईस्ट में रखते हैं, काला सफेद रंग इनका बेसिकली, ये जो खरगोश है ना ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे तो इन जनरल, ठीक है। कई बार आप जब लाल किताब पढ़ोगे तो ऐसी रेमेडी आप देखते हो, काला सफेद कंबल मंदिर में चढ़ा दो, काला सफेद ये कर दो, काली सफेद चीज बेसिकली ज्यादातर केतु को रिप्रेजेंट करती है लाल किताब के अकॉर्डिंग, इसीलिए काले सफेद है स्पेशली बोला गया कि काले सफेद खरगोश। ये ऐसा नहीं बोला गया खाली सफेद खरगोश या ब्रास के खरगोश, नहीं, काले सफेद, तो ये स्पेसिफिकली केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और चीज भी समझिएगा कि आकाश राहु और पताल केतु होता है, तो इसलिए ये केतु को रिप्रेजेंट करने वाले खरगोश हैं। अब ये काम भी पताल में ही करते हैं एक्चुअली खरगोश जाकर, इसलिए ये सॉलिड रेमेडी वहां पर काम कर जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं नीचे जमीन के नीचे जाकर टनल क्रिएट करते हैं और ये अपने कनेक्शंस बनाते हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर आपको अपने कनेक्शंस बनाने हो, अपनी जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करना हो, तो आप जो ये खरगोश हैं काले सफेद खरगोश का ये जो पेयर है ये आप रख सकते हो अपने ईस्ट साउथ ईस्ट में। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी, राइट, और ये काम करती है, टेस्टेड है, देखा हुआ है कि हाँ ये काम करती है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग बहुत खर्चा करते हैं, एक्सपेंसिस बहुत होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिस से ना रिजल्ट नहीं आता। जैसे मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है या आप कोई काम शुरू कर रहे हो, आपने उसकी मार्केटिंग पे बहुत पैसा लगाया, ठीक है, आपने बहुत खर्चा कर दिया, बट यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये पिन पॉइंटेड काम करेगा, यानी कि इनका काम है कन्वर्ट एक्सपेंडिचर इंटू प्रॉफिट। आप जो एक्सपेंस कर रहे हो ना, जो पैसा लगा रहे हो मार्केट के अंदर, उससे आपका प्रॉफिट निकालना, वो इनका काम है।
तो ये रेमेडी उस सिचुएशन के अंदर बहुत ही फायदेमंद काम करती है। ये रेमेडी आप यूज कर सकते हो जो ब्लैक और व्हाइट रैबिट्स की है, ये वाली रेमेडी अच्छा काम करेगी आपका। ईस्ट साउथ ईस्ट की जगह बहुत अच्छा काम कर दिया। देन अगेन डांसिंग डॉल्फिन्स, इनको भी आप रखा जा सकता है। जो मछली है कहीं ना कहीं उसको भी केतु के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और डांसिंग डॉल्फिन की जो रेमेडी है, बट इसमें ना स्पेसिफिकली समझिएगा कि मेरे लिए खरगोश क्यों है। देखिए ईस्ट साउथ ईस्ट में मैंने आपको बताया आप कामधेनु गाय रख सकते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में मैंने आपको बोला आप खरगोश रख सकते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट में आपको डॉल्फिन रख सकते हैं, लेकिन हर एक का पर्पस डिफरेंट है, ये बात याद रखिएगा। आपको पर्पस देखना है, रेमेडी कितनी अच्छी है ये नहीं देखना कौन सी अच्छी है, नहीं, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस। डांसिंग डॉल्फिन तब काम करेगी जब आपका कोई आर्टिस्टिक नेचर का काम होगा, जहां पर आपको एक फिनिशिंग चाहिए होगी, जहां पर आपको काम के अंदर परफेक्शन चाहिए होगी, मतलब कि मोर लाइक एन आर्टिस्टिक टच, उस केस में उन लोगों के लिए ये बढ़िया काम करेगी, राइट, जिनको एकदम परफेक्शन चाहिए वहां पर ये रेमेडी काम करेगी। तो तीनों का एकदम अलग है हिसाब किताब, ये एक जैसी, तीनों एक ही जोन में लग रही है लेकिन सबका रोल अलग है। एक चौथी रेमेडी इन जनरल जो आप यूज कर सकते हो जो इसमें नहीं है अभी, वो ये है कि आप ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर मंथन की फोटो लगा सकते हो। मंथन का मतलब चर्निंग, जैसे कोई लेडी जो है वो दही बिलो रही है या उस टाइप से आप एक रेमेडी यूज कर सकते हो, चर्निंग की रेमेडी आप यूज कर सकते हो। बट वो जो चर्निंग की रेमेडी आप यूज करोगे तो कोशिश करना, मैंने आपको पहले भी उसका रीजन भी बताया था, तब नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप एक भगवान शिव की फोटो जरूर लगा लीजिएगा, चाहे छोटी फोटो लगाइएगा लेकिन एक फोटो या कोई भगवान शिव का आपका घर में छोटी सी मूर्ति हो या कुछ भी हो उसको वहां पर रख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत जरूरी है उस केस में। अगर आप समुद्र मंथन की पिक्चर लगा रहे हैं वो भी एक बढ़िया रेमेडी है जो इस साउथ ईस्ट के अंदर काम करती है ना, उससे आपको रिजल्ट भी आते हैं आपको, क्योंकि जैसे समुद्र मंथन में ना बहुत सारी चीजें निकली जो कि मानवता के लिए बहुत जरूरी थी, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं आपको वैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, आपके माइंड के अंदर जो बहुत ज्यादा चर्निंग होती है उसको भी कंट्रोल करती है, बल्कि उससे रिजल्ट निकालती है। मंथन का पर्पस था अमृत को निकालना, तो वो जो हमारे दिमाग की जो चर्निंग है उससे वो एक अच्छा रिजल्ट निकले वो जरूरी है ना। तो वो भी रेमेडी के तौर पर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर, या तो वो जो लेडी दही बिलो रही है उसकी फोटो आप यूज कर सकते हो, या समुद्र मंथन की फोटो, वो भी आप यूज कर सकते हो ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर। तो इनमें से सारी रेमेडी जो ईस्ट साउथ ईस्ट से रिलेटेड है, इनका एकदम अलग अलग काम है, सबका काम एक नहीं है, सब एकदम अलग अलग रेमेडी है और अलग अलग टाइप का काम करती है सारी रेमेडी। तो वो चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में आपको रखना है, राइट। नेक्स्ट इज रेड हॉर्सेस, ये वास्तु में यूज होने वाली बहुत ज्यादा यूज होने वाली रेमेडीज में से एक है रेड हॉर्सेस। साउथ के अंदर हम इनको रखते हैं और फेसिंग इनकी रहती है नॉर्थ की। अब देखिए हॉर्स जो है ना, ये दो प्लेनेट का कॉम्बिनेशन है, मून एंड मार्स। मून इज बेसिकली आपकी वेल्थ वगैरह को भी देखता है मून, ठीक है, मार्स करियर को भी देखता है। अभी दो चीजों को समझिएगा, मून और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है ना उसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बोला गया कि ये जो है ये आपका बहुत शुभ योग माना जाता है ये अपने आप के अंदर इन दो, क्योंकि जो घोड़े हैं वो मून को रिप्रेजेंट करते हैं, रेड कलर इज मार्स, तो ये बेसिकली कंबाइंड फॉर्म में बहुत अच्छा माना गया इनको ना, एक अगर एक साथ दोनों होते हैं तो उनको अच्छा माना गया। तो ये बेसिकली आपके कैश फ्लो में मदद करता है, आपको फेम दिलाएगा, रिकॉग्निशन दिलाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब इट इज अ वेरी गुड रेमेडी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर कोई काम शुरू कर रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो और आप उसके अंदर ना डल हो रहे हो, मतलब कि आपको आपके अंदर वो एंथुजियाज्म नहीं है काम को करने का, मतलब वो जोश नहीं आ रहा उस काम को करने का, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा बट आप उतनी ताकत नहीं लगा पा रहे या लगा रहे हो लेकिन भारी मन से, तो ऐसे में इसको जरूर एक बार यूज कीजिए रेमेडी को, इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। ये आपका ना वो पैशन जो होता है, जो एक्साइटमेंट होती है उसको बढ़ाती है कि हाँ मेरे को ये काम करना है, मेरे को इस काम से रिजल्ट निकालना है। जैसे एक घोड़ा होता है ना वो बिना थके काम करता है, ये वो वाली चीज है इसके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपकी फेम, रिकॉग्निशन, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है और ये चीजें बढ़ती हैं इस रेमेडी को लगाने से। तो इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द साउथ। ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन भी, अगर आप इसको मैं लाल किताब से भी कनेक्ट करूंगा तो भी साउथ इज बेसिकली थर्ड हाउस, तो वहां पर थर्ड हाउस के अंदर ना मार्स और मून बहुत अच्छे बताए गए हैं दोनों के दोनों, और मून खासतौर से थर्ड हाउस में होता है तो मार्स को भी अच्छा करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, एज ए कॉम्बिनेशन ये रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट देने में बिल्कुल सक्षम है। तो आप ये रेमेडी यहाँ पर यूज कर सकते हो, इट इज अ वेरी गुड रेमेडी, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडी है। तो ये कुछ चीजें हैं
इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हो। पीपीटी आपको दिखाई दे रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को यहाँ से थोड़ा कहीं से ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आपको पीपीटी दिखना रही हो, ऐसा कुछ हो? हाँ जी, दिख रहा है आपको? एक मिनट, I will check, वेट कीजिए। वेट, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, अभी दिख रहा है? एक बार टाइप करेंगे कोई? ओके, ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट इज रेड एलिफेंट। अब ये जो रेड एलिफेंट की रेमेडी है, ये साउथ और नॉर्थ दो जगह बताई गई कि आप नॉर्थ में भी रख सकते हो, साउथ में भी रख सकते हो। मैं आपको अपना लॉजिकली क्लियर कर रहा हूँ ये चीज, है ना, कि ये कैसे भाई। कई लोग बोलते हैं रेड कलर का हाथी है, इसको नॉर्थ में रख रहे हैं, मतलब ये तो वास्तु के हिसाब से एकदम उल्टी बात हो गई। तो मैं वो उसका लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, ये क्यों है ये, ठीक है। यहां पर हाथी को ना राहु माना गया लाल किताब के अंदर, और साउथ अगर थर्ड हाउस है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्थ जो है वो सिक्स्थ हाउस है, और राहु ना इन दोनों जगह पे बहुत अच्छा होता है, थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस, वेरी गुड, अच्छे रिजल्ट देने में पूरी तरह से कामयाब होता है। बट रिजल्ट कब दे सकता है अच्छे? जब वो कंट्रोल्ड होगा, ठीक है, कंट्रोल्ड होगा। और कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा हाथी को महावत। तो महावत कौन है? मंगल, इसीलिए लाल है, क्योंकि मार्स उसको कंट्रोल करता है। हाथी कंट्रोल में रहता है जब तक वो महावत के कंट्रोल है। अब क्यों मार्स महावत है? इसलिए है क्योंकि महावत अपने हाथ से कंट्रोल नहीं करता हाथी को, उसके पास एक नुकीला सा अंकुश होता है जो उसको चुभोता है सर के ऊपर। तो वो जो भी नुकीली चीज है, धारदार चीज है, वो मार्स है। तो वो जो मार्स है ना, वो यहां पर लाने से हाथी जो है कंट्रोल में रहता है राहु। तो इसलिए जो रेड एलिफेंट है वो एज ए रेमेडी काम करता है और आपको रिजल्ट मिलते हैं। बट स्टिल पर्सनली बोलूं तो मैं इस रेमेडी के ऊपर ज्यादा बुलिश नहीं हूं। बुलिश इसलिए नहीं क्योंकि राहु राहु ही है फिर भी, तो इसलिए इस रेमेडी को कहीं ना कहीं मैं ज्यादा यूज, मैंने अपनी तरफ से किसी को रेड एलिफेंट लगाने के लिए, मेरे को शायद याद हो किसी को बोला हो, बहुत ज्यादा देखने के बाद तो बोला हो, वो भी याद नहीं आ रहा कि किसी को बोला हो। बट यस, रेमेडी है और काम करती है, मतलब देखा है काम करते हुए, ठीक है, बढ़िया। वन ऑफ द टॉप मोस्ट पर्सन के मैंने टेबल पे रेड एलिफेंट रखा हुआ देखा है, ठीक है ना। तो काम करती है, काम की दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि फिर वही कि आपकी अपनी अपनी, मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन अपना लॉजिक होता है कि मेरे को लगता है कि ये थोड़ा फिर भी ट्रिकी है कहीं ना कहीं, ठीक है। रेड हॉर्सेस, 12 रेड हॉर्सेस, तो ये एक रेमेडी है 12 घोड़ों की, रेड हॉर्सेस की, जो कि आप साउथ के अंदर रख सकते हैं, और फेसिंग जो है वो इनकी नॉर्थ की होनी चाहिए। फ्लोर के ऊपर आप इन घोड़ों को रखते हैं। ब्रांड बिल्डिंग बेसिकली इनका मेजर काम है, आप इससे ब्रांड बिल्ड करते हो अपना। तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए ये वाली रेमेडी यूज होती है। जब भी आपको मार्केट में अपना नाम क्रिएट करना है, आपका कोई कंपनी है, आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, तो आप ये 12 घोड़े जो है ये साउथ के अंदर रखो, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। इट विल क्रिएट ब्रांड। इसका जो कोर काम है वो है ब्रांड बिल्डिंग। आपको ब्रांड बिल्डिंग मिलेगी आपके काम के अंदर, जो आपका, अगर कई बार ऐसा होता है मैं काम कर रहा हूं लेकिन मेरा ब्रांड बिल्ड नहीं हो पा रहा, नाम ज्यादा हो नहीं पा रहा, तो उस केस में भी आप 12 जो घोड़े हैं वो आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इन जनरल घर के अंदर आपको कुछ रखना है तो फिर आप 2 घोड़े वाला जो आपका है वो रखिए, 2 लाल घोड़े। और अगर आपका कोई ऑफिस है, फैक्ट्री टाइप या कुछ भी आपका है, तो उसके जगह पर आप 12 लाल घोड़े वाली रेमेडी भी रख सकते हो। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर नी से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो जो रेड हॉर्सेस है 2, वो आप साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो।
बट उस केस के अंदर एक चीज याद रखना, क्योंकि बेसिकली क्या है कि अश्विनी कुमार जो है, अगर आप उनकी फोटो लगा लोगे तो वो ज्यादा प्रैक्टिकली ठीक रहेगा। अश्विनी कुमार में वो है जिनका आधा जो शरीर है वो अश्व का है और आधा जो है वो मनुष्य का है, तो वो अश्विनी कुमार है, वो आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। उनकी पिक्चर लगाने से भी अगर घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो साउथ ईस्ट में आप वो लगा सकते हो, उससे आपको कुछ ना कुछ जरूर लाभ मिलेगा। जो दो घोड़े हैं, अगर उसमें फिर आप ये मत सोचिएगा कि पैसे को बहुत ज्यादा मैटर मत कीजिएगा, फिर आप उसका पर्पस चेंज हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको ये बोलूंगा अश्विनी कुमार की फोटो वहां पर ज्यादा आपके लिए बढ़िया रिजल्ट आपके लिए काम कर जाएगी। तो ये चीजें आप जो है सारी की सारी ये आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी होंगे अभी कुछ, तो अभी मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ और कुछ और जो रेमेडीज हैं वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिस जिसको क्वेश्चन पूछने हैं। तो जो पहले पूछ चुके हैं वो नहीं, अब जो नए लोग हैं वो पूछ सकते हैं। सोनिया जी बोलिए, मैं नहीं चाहता आपके ज्यादा क्वेश्चन रह जाए, बोलिए सोनिया जी। अनीता जी हेलो। हाँ जी सुनिए, बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी, जो स्वास्तिक होता है वो सिंपल स्वास्तिक बनाना है या बीच में सर्कल बनाकर, मैंने कई सारी जैसे नेट पे पिक्चर्स देखी तो अलग अलग तरीके के स्वास्तिक बने हुए हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है या सिंपल स्वास्तिक? सिंपल स्वास्तिक बना लीजिए, बचपन से हमारे घर में माता जी हमारी बनाती आ रही हैं, उनसे पहले उनकी माता जी बनाती आ रही होंगी, सभी बनाते आ रहे होंगे। आजकल स्टंट नए आ गए हैं बस, कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए होता है हर किसी को। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत या सही, उसमें मत जाओ, बट अभी ये सोचो कि हम सालों से हमारे खानदान में बनाते चले आ रहे हैं, लगाते चले आ रहे हैं और बहुत तरक्कियां भी करी हैं लोगों ने। अब बस हर कोई कह देता है इसमें अगर ये जरा सा डॉट इधर हो गया तो ये हो जाएगा, उधर हो गया तो ये हो जाएगा, फिर एक वीडियो का टाइटल डाल दो, अगर ऐसे बना लेंगे स्वास्तिक तो हो जाएंगे बर्बाद, बस तो वही देखने लग जाएंगे। एक चीज और सर, जो स्वॉर्ड आपने बोली है वो पर्टिकुलर वो तलवार वाली शेप की या कटारी वगैरह जैसा मिल जाता है कई बार मार्केट में बच्चों को? तलवार मतलब तलवार। ओके, और ये हमारा मेटल का ही होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए? प्लास्टिक का क्या, बेंटन की तलवार रखोगे क्या? अरी वाली बेंटन चला के कई बार तो मार्केट में वही अवेलेबल होती है, जनरल वे में तो मिलती भी नहीं है। नहीं, जनरल वे में मिलेगी आपको तलवार, ऐसा ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? हर गुरुद्वारे के अंदर आपको, गुरुद्वारे के बाहर दुकानें होती हैं, दिल्ली में चले जाओ बंगला साहब गुरुद्वारा है, वहां पर बाहर दुकानें बनी हुई है, तलवार क्यों नहीं मिलेगी आपको? ओके, तलवार कैसे नहीं मिलेगी? मैंने एक बार देखा तो मुझे मिली नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुरुद्वारों के बाहर शादी में कहां से आती है तलवार, पूछ लो, हर दूल्हा तलवार लेकर घूम रहा होता है शादी के अंदर, है ना? कोई वो, आपने कभी किसी दूल्हे को देखा बेंटन की तलवार हरी वाली लगा के घूम रहा होगी? भैया तलवार तो मिलती नहीं मार्केट में, तो मैं ये बेंटन की ले आया। ऐसे थोड़ी होता है कोई। ओके, अनीता जी बोलिए। अनीता जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, वो जैसे आप मनी प्लांट का कुछ बोल रहे थे ना, तो आप कह रहे थे काम हो जाए तो उसको हटा दे, तो उसका डिस्पोजल कैसे होता है फिर? कहीं पर लगाना है लगा दीजिए, अगर वैसे भी हटा देंगे कहीं पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि अब ये अच्छा इसका तो कोई प्रोसेस करके इसको हटाना पड़ेगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आपने लिया बॉटल, ली उस बॉटल को कहीं जाके किसी गार्डन में जाके रख दीजिए, गार्डन में रख पड़ा रहेगा, बॉटल लग जाएगा, जड़ पकड़ लेगा, तो आप उसको लगा भी सकते हो, डस्टबिन वगैरह में नहीं डालना। हाँ, कहीं लगाना चाहो लगा सकते हो, पेड़ पौधे को वेस्ट क्यों करना है, ठीक है ना? तो वेस्टेज मत करो, कहीं लगा दो। आजकल वैसे भी सरकार भी बोलती है पेड़ लगाओ, इतना ज्यादा पोल्यूशन है सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं जो चीज लग सकती है कोई भी उसको वेस्ट मत करो। मैं तो कहता हूँ अगर आपकी दीवार में जैसे पीपल का पेड़ उगाता है, लोग उसको निकाल के बैठते हैं, अरे उसको निकाल के आप किसी गार्डन में या कहीं पर लगा दो, कहीं बाहर रोड पे इतनी जगह खाली पड़ी हुई है दूर दूर तक, किलोमीटर तक कोई पेड़ नहीं है, तो वहां पर कहीं लगा दो। अच्छी बात है, अगर वो पीपल का पेड़ उग जाएगा आपको भला, आपका जुपिटर अच्छा होगा, साथ के साथ कहीं ना कहीं छाया मिलेगी लोगों को, एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, सब बढ़िया हो जाएगा, है ना? सर, वो जो जैसे अब अगर ये ग्रो करता है ना मनी प्लांट, तो फिर इसकी कटिंग करने है या मतलब उसको ग्रो होने? आपका काम ही बहुत लिमिटेड समय का है ना, मनी प्लांट रखना है, जॉब लगने का, अगर 6 महीने में उसने ग्रो करना है, 6 महीने तक ना लगे तो रेमेडी काम नहीं कर रही फिर। अच्छा, बात ही खत्म, फिर मनी प्लांट रख दूसरी रेमेडी। हाँ, फिर वैसे काम नहीं आपका, ठीक है जी। और हेलो सर, एक क्वेश्चन और है, ये जो आपने जो बताया ना जैसे डॉल्फिन का है या हॉर्सेस का है, तो इनका कोई हाइट होती है मतलब?
स्टैंडर्ड मिलते हैं नॉर्मली, आप देखना कि ये जैसे हॉर्सेस वगैरह हो ना तो 6 इंच से ऊपर के एक बहुत छोटे से भी आते हैं अमेज़न वगैरह पे, 800-800 के, 700-700 के। सर वो मैंने मंगवाई थी ना ये डॉल्फिन अमेज़न से, तो बहुत ही छोटा साइज आ गया। वो दिखने में पिक्चर बहुत बड़ी लगेगी लेकिन थोड़े 6-8 इंच टाइप के हो ना, 6-8 इंच का हाइट ठीक होती है, 6 इंच से लेकर 8 इंच के बीच में ठीक होगी। ठीक है। संजय तिवारी जी बोलिए। संजय जी की वॉल आ रही है, टॉयलेट की वॉल लगा सकते हैं? फिर से बोलिए, आपकी पूरी बात नहीं सुनाई थी, बोलिए। जिस दीवार पे हमें ईस्ट में सूरज को लगाना है, सूर्य को, उसके ठीक पीछे टॉयलेट की वॉल आ रही है, टॉयलेट है उसके ठीक पीछे वॉल के, तो लगा सकते हैं? जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे पीछे टॉयलेट की वॉल है, मैं वही पूछ रहा हूँ, लगा सकते हैं? सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक वॉल है जो हमारे ड्राइंग रूम में आ रही है जी सर, और वो एकदम नीट एंड क्लीन वॉल है, उसमें कुछ भी नहीं है जी सर। उसके पीछे क्या है, हमने डस्टबिन रखा हुआ है वॉल के पीछे, वो सब सिर्फ मंदिर के अंदर हम फिर भी थोड़ा परहेज कर लेते हैं कि चलो टॉयलेट की दीवार के साथ मंदिर मत लगाओ एक्चुअली, ठीक है ना जी सर। तो चलो जी सर, एक अगर हम कोई ब्रास के हमने सन लगा लिए, कुछ लगा लिए, अगर आप वैसे इन जनरल आपको दिमाग में एक चीज क्रिएट हो रही है तो मत लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा ड्राइंग रूम है, पीछे एक टॉयलेट आ रहा है, वो भी बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं कि बिल्कुल पीछे ही सीट के ऊपर मैंने लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं वैसे इन जनरल दीवार पे लगा रहा हूँ, टॉयलेट मेरा पीछे कहीं बना हुआ है, सीट पीछे कहीं है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ऋतु जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर कामधेनु गाय के साथ जैसे बच्चा भी होता है, छोटा बच्चा, तो वो भी चलेगा? पर्पस अलग है, वो कामधेनु गाय नहीं होती जिसके साथ बच्चा होता है। और सर जो पेंटिंग भी लगा सकते हैं हम गाय के साथ, मतलब नॉर्मल एक जो कामधेनु गाय की? हाँ लगा सकते हैं, वो उसका जोन अलग है, जब देवता पे आऊंगा तब बताऊंगा। ओके। और सर जैसे ग्रीन पेंटिंग जो आपने बताई थी, उसमें जैसे अगर स्टेम हो या ब्राउन ब्रांचेस या ट्रंक टाइप ट्रीज हो, वो भी चलेंगे? अपर वो ग्रीन चाहिए। मेरा ना लॉजिक समझना, देखो हम ग्रीन चीज लगा रहे हैं और हमें चाहिए ग्रोथ। हाँ जी। जो एक बड़ा पेड़ होता है ना पेड़, उसमें ग्रोथ नहीं होती, समझ रहे हो? अगर मैं ग्रीन सीन में पेड़ लगा रहा हूं, पेड़, हाँ जी, पेड़ के अंदर ग्रोथ नहीं होती, पेड़ ग्रो कर चुका होता है। ओके। आप रेमेडी क्या लगा रहे हो? मनी प्लांट। मनी प्लांट ग्रो करता रहता है जी, बढ़ता रहता है, आप समझ रहे हो जी? लॉजिक भी क्लियर रखो अपना। तो मैंने इसलिए क्या बोला, छोटे छोटे पौधे अगर हो, पूरी ग्रीनरी हो, है ना, जैसे वो जो पीछे सीन लगा था उसके अंदर वो जो दिख रहे हैं आपको स्टेप फॉर्मिंग हो रखी है, तो स्टेप्स बने हुए हैं, वो स्टेप्स भी पर्पसफुली लगा रखे हैं एक्चुअली, तो है ना। अब मैं उसका आपको लॉजिक चलो बता देता हूं, ऐसा कुछ वो नहीं है। जो स्टेयर्स होती है ना, वो बेसिकली राहु को भी रिप्रेजेंट करती है, तो सिक्स हाउस के अंदर राहु भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए वो स्टेप वाले लगा रखे हैं ग्रीन सीन, तो उससे ताकि और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाए, तो वो उस पर्पस के लिए यूज हो रखा है। बट एक नॉर्मल ग्रीन सीन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि कोई मेरे से लेना, उससे लेना, इससे लेना, ऐसा कुछ नहीं, कोई लगा लो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। और सर जैसे सन को हमने एक घर में घर के आउटसाइड लगा हुआ देखा था, तो वो आउटसाइड भी लगा सकते हैं? अपन इंटरनली लगाना होता है वो, जिसने आउटसाइड लगा रखा था उससे जाके पूछना है। सर ईस्ट फेसिंग ही लगा, मतलब मेरे घर के जस्ट पास वाला घर में ईस्ट फेसिंग, अपना टॉपिक ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। लोग 50 चीजें करेंगे, 50 चीजों के ऊपर वीडियो बनेंगे। मैं अभी कई लोग मेरे को वीडियो भेज देते हैं, इस वीडियो में जी देखना जरा, इसने बंदे ने ये बताया है, इसका जरा क्लियर कर दो ये सही है कि गलत है। अरे मैं पहले आधा घंटा उसका वीडियो देखूं, फिर मैं ये डिसाइड करूं कि सही है कि नहीं। भाई मेरे को क्या लेना देना किसी का वीडियो देखकर कि उसने क्या बताया, सही बताया, गलत बताया। आप मतलब मैं इन जनरल आपको कुछ वो नहीं बोल रहा, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि दूसरा बंदा जो कर रहा है उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। नहीं सर वो नहीं, मेरा रीजन ये था पूछने का कि जैसे ईस्ट में आपने बताया सन अपन लगाते हैं, हाँ, उसके लिए जैसे कोई पॉलिटिकल या गवर्नमेंट इशू, बिल्कुल ठीक बात, तो यही पूछना था कि हम आउटसाइड वॉल भी लगा सकते हैं, अपने घर के इंटरनल ही लगाना चाहिए, इसी रीजन से उसको इसका जो यूज है वो है इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है पहली चीज। एक्सटर्नल तो भगवान ने ईस्ट में सन लगा ही रखा है, अपने कोई टेंशन नहीं है, अंतने को तो घर में ही चाहिए ना। अभी दूसरा क्या होता है, कई बार जैसे किसी ने कोई रेमेडी सुनी घर के अंदर, पता चला उसके, उसने सोचा यार घर में कौन लगाएगा, या घर में अच्छा लगा, ईस्ट में लगाना है ना, बाहर लगा दो, किसी ने अपने दिमाग से लगा दिया। ओके। फिर किसी सियाने आदमी ने उससे पूछ लिया भाई यहाँ क्यों लगाया, उसने बोला नहीं बाहर भी लगता है, तो चार बंदे कहने लगे बाहर लगता है, बाहर लगता है, बाहर लगा दो, पेड़ चाल क्या कर सकते हो। तो किसी और का लॉजिक नहीं क्लियर कर सकते,
है ना। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे को वीडियो मत भेजो किसी का कि इस वीडियो में उसने वीडियो क्या नहीं, नहीं आपके क्वेश्चन नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग मौजूद हैं। ठीक है, सचिन जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अश्विनी कुमार की फोटो जैसे बताई थी लगाने के लिए ना साउथ ईस्ट में घुटनों की, साउथ ईस्ट, तो सर उसकी फ्रेमिंग वगैरह का भी कोई ध्यान रखना होता है इसमें फोटोज में? फ्रेमिंग का, हाँ फ्रेमिंग अगर कर रहे हो कभी भी फोटोग्राफ के अंदर, यूजली ब्लैक कलर का फ्रेम या बेसिकली वुडन कलर का जो फ्रेम होता है ना, वो कोई नेगेटिव रिजल्ट कहीं क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि वुडन है, नेचुरल फॉर्म, पहली चीज नेचुरल फॉर्म। जब हम एज ए रेमेडी अभी आएंगे बहुत सारे साउथ वेस्ट के अंदर फोटोग्राफ, फैमिली फोटोग्राफ लगाते हो तो गोल्डन फ्रेम यूज करते हैं, जब नॉर्थ वेस्ट के अंदर फैमिली फोटोग्राफ वगैरह जो भी लगेंगे वहां पर जो बताऊंगा मैं वो सिल्वर फ्रेम होता है, नॉर्थ के अंदर सारी चीजें ब्लैक कलर के फ्रेम में होती हैं। ठीक है, बाकी नमक स्वादानुसार। अच्छा सर दूसरा ये था कि जैसे एलिफेंट और ये रैबिट बताए थे सर, ये मेटल के होते हैं या जो आजकल प्लास्टिक वगैरह में या उसमें मिल जाते हैं? प्लास्टिक का इनमें से कुछ भी नहीं होता, रैबिट ब्रास के हैं, उनके ऊपर कलर्ड है व्हाइट ब्लैक। और जो एलिफेंट है सर उसके ऊपर भी? एलिफेंट जो है वो ब्रास में भी आते हैं, एलिफेंट बहुत सारी चीजों में आता है, लेकिन अगर आप कोई ब्रास वगैरह में ले लोगे तो बेस्ट है। अगर आपको एक जर्नल भी मिलता है, जैसे कई जगह आपको वुड के मिल जाएंगे, लगा लो कोई दिक्कत नहीं। रेड कलर सर, रेड रेड पेयर हॉर्सेस, ये सर ये भी ब्रास के, ये रेजिन के? ब्रास के आते नहीं, रेजिन के आते हैं, रेजिन के लगा लो। चलिए थैंक यू सर, मेरा एक क्वेश्चन। हां जी रेडमी लिखा हुआ है, मैंने अनम्यूट कर दिया, जिस किसी का वो रेडमी लिखा हुआ आ रहा है वो प्लीज वो पूछ सकता है, पूछिए जल्दी। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो रेमेडीज हैं सारी, ये आपको बैलेंसिंग ही अप्लाई करनी है? नहीं तो मेरे को रेडमी दिख रहा है, नाम तो बताओ क्या है। सर मैं सतीश बात कर रहा हूँ। अच्छा सतीश जी बोलिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सर, ये जो रेमेडीज हैं सारी आफ्टर बैलेंसिंग ही अप्लाई करनी है? हाँ जी ठीक है सर। और दो चीजें समझना, दो चीजें जी, जब कभी डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, कभी आपका हार्ट का ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर ये बोलेगा कि भाई पहले आप एक महीने तक ये डाइट लो, फिर आपको एक डेट देगा उस डेट पर आना, दो दिन पहले हम आपको एडमिट करेंगे, फिर आपको अपनी मेडिसिंस पे रखेंगे, फिर आपका इतने बजकर इतने मिनट पर ऑपरेशन होगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है, इसको बोलते हैं एसओपीज फॉलो करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है। ठीक है, अब एक आदमी को हार्ट अटैक आया, उसको हॉस्पिटल ले गए, तो क्या करेंगे? पहले उसे बोलेंगे दो महीने की डेट देंगे उसको, फिर उसको दो दिन मेडिसिन पे रखेंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे कि कर देंगे उसको जरूरत होगी तो? हाँ जी बोलो सतीश जी बोलो, अनम्यूट कर दिया। हाँ सर, हाँ सर, नहीं, क्या करेंगे? ऑब्वियसली फिर अर्जेंसी केस में अप्लाई करेंगे रेमेडी। हाँ जी, अब इसको ऐसे ही समझना है कि पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि अगर मेरे को एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई तो भाई ठीक है यार लगा ले, काम कर गया, ईश्वर ने चाहा तो बढ़िया है। और एक होता है कि अपने पास पूरा टाइम है वास्तु करने का, तो अपने को सारे के सारे चीजें भाई पहले ये बैलेंस करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे, फिर इतने दिन का टाइम लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वो सारी चीजें। अभी किसी के ऊपर अचानक से कोई दिक्कत आ गई तो भाई अचानक ही उसका काम करना पड़ेगा अपने को। अब मान लो कोई आपका दोस्त बोले भाई कल मेरा ड्रॉल निकलना है इस चीज का, भाई कुछ बता दे यार, हो सकता है, तो फिर कुछ में क्या होगा, उसके हाउस की बैलेंसिंग थोड़ी ना करोगे, फिर तो सीधा इंस्टेंट कोई रेमेडी बता दोगे, भाई ये लगा के देख ले, क्या पता काम बन जाए। मैंने क्या बोला? में मेरा अल्टीमेटली एक रेमेडी किसी ना किसी प्लेनेट को तो रिप्रेजेंट कर ही रही है, अगर वो अपना काम कर गया कर जाएगा। सर इसी में मेरा क्वेश्चन है कि ये जो फ्लोर रेमेडी है तो मैक्सिमम तो मेनली फ्लोर पे ही रखनी है या कितनी हाइट पर रख सकते हैं मैक्सिमम? फ्लोर पे ही रखनी है जो फ्लोर वाली है, टेबल वगैरह पे जैसे एकदम नहीं, मतलब अगर बहुत ही ज्यादा कोई बहुत ही रेयर केस के अंदर रखनी पड़ जाए तो टेबल पे रख लेना, वरना नहीं, फ्लोर मतलब फ्लोर। जी सर। सर एक टॉपिक था जो रखना, उसको फ्लोर पे नहीं रखना, जो बोला दीवार पे टांगना उसे दीवार पे टांगना है। जी सर, एक्चुअली इसमें सर एक टॉपिक रह गया था तो आप बाद में कवर करेंगे, ओवरहेड वाटर टैंक का, मतलब डिफरेंट जो उनमें ओवरहेड वाटर टैंक सब कर देंगे, वाटर टैंक कवर क्या हो गया। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं। पारुल जी का क्वेश्चन हो चुका है, राकेश शर्मा जी आप पूछिए।
सर ये इसका था जो यहाँ अश्विनी कुमार की जो फोटोग्राफ है, हाँ जी सर, ये इनका साउथ ईस्ट में लगाना और हेल्थ के लिए साउथ ईस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगाना है? हेल्थ के लिए नहीं लगा रहे हम, सिर्फ घुटनों का दर्द, घुटनों में दिक्कत। अच्छा, आप एक्चुअली साउथ ईस्ट वास्तु पुरुष के घुटनों को रिप्रेजेंट करता है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो नॉर्थ वेस्ट में और ज्यादा बढ़िया, नॉर्थ वेस्ट में लगा लो, कोई बात नहीं, साउथ ईस्ट में मत लगाओ, नॉर्थ वेस्ट में लगा लो। तो नॉर्थ वेस्ट में घोड़े वैसे भी काम करते हैं और नॉर्थ वेस्ट में भी वास्तु पुरुष के घुटने ही आ रहे हैं। ये बेसिकली वास्तु पुरुष के घुटने जो है वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में, एक घुटना नॉर्थ वेस्ट में, एक साउथ ईस्ट में। और घुटनों की अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अश्विनी कुमार को डॉक्टर भी माना गया समझ लो देवताओं का, है ना, तो वो काम हो जाता है। इतना सा मतलब काम होने से मतलब ये नहीं घुटने ठीक हो जाए, काम होने मतलब उसको कोई ना कोई इलाज मिलेगा व्यक्ति को, बाकी किसी पर्पज के लिए नहीं है। देविंदर मेहता जी का क्वेश्चन हो गया, कोमल जी पूछिए। कोमल जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मुझे पूछना था ईएससी में जो आपने बताया है डॉल्फिन का, तो ये बेसिकली अगर जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, ओके, उनके लिए उतना अच्छा नहीं है, उनके लिए उतना अच्छा नहीं है। तो वहां पे क्या रखना चाहिए फिर उनके लिए? नहीं, हर जगह हर किसी के लिए कुछ नहीं रखना आपको। ओके, उनके लिए वो जो सिद्धि विनायक मंदिर वाले गणेश भगवान है उनकी प्रतिमा रखो नॉर्थ ईस्ट में। मैंने बताया देखो ट्रेडिंग का काम है इनसाइट का काम, ट्रेडिंग इनसाइट से चलती है, तो इनसाइट की जगह नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी की मूर्ति रखो, सिद्धि विनायक टेम्पल वाले जो की रेड है बाई चांस, ठीक है वो रखिए। और अगर ऐसा व्यक्ति वेस्ट साउथ वेस्ट में सोएगा तो उसके लिए ज्यादा बेटर सिचुएशन है। ओके, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट और सपोज वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में टॉयलेट आ रहा है, दिक्कत है ना, फिर दिक्कत भी हो रही होगी। एसएससी पे बैठा सकते हैं, पहले ट्रीटमेंट बाकी कर लो, जब चीजें बैलेंस होंगी ना आपको रिजल्ट ट्रेडिंग में भी मिल जाएंगे। ओके, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे बैठना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठेंगे, टीवी वगैरह वहां पर बैठ के देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ओके, बट अगर वो जोन में नहीं बैठ सकते तो सेकंड जोन कौन सा कंसीडर करेंगे? नॉर्थ में बैठो और नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग कर लो, वेस्ट में बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग कर लो। ओके, साउथ में बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग कर लो। नॉर्थ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग रहेगा तो चलेगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत। ओके, फाइन। वसंत कुमार जी पूछिए। हेलो सर। हाँ जी पूछिए पूछिए। सर अभी ये रेमेडी कर रहे हैं अपन फ्लोर पे लगाने का, अगर इनकेस डुप्लेक्स हाउस है कौन से फ्लोर पे करना चाहिए? किस फ्लोर पे करना चाहिए? हाँ सर, देखो मेजरली हम ये बोलते हैं कि भाई जिस फ्लोर पे ज्यादा आप रहते हो, जिस पे ज्यादा समय बिताते हो वहां कर सकते हो, लेकिन दोनों फ्लोर आप ही के हैं। इसका मतलब कई बार लोग इसका मतलब ये समझते हैं कि जिस फ्लोर पे हम रहते हैं उसका रिजल्ट हमें ज्यादा आएगा। नहीं, रिजल्ट तो आपको दूसरा फ्लोर भी देगा, लेकिन हाँ रेमेडी जब लगा रहे हैं तो भाई जहां मेरा ज्यादा समय बीतता है मैं वहां लगाऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों ही बराबर है, इंपॉर्टेंस का फर्क नहीं है। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि अच्छा मेरा नीचे का फ्लोर थोड़ा सही नहीं है, अगर मैं ऊपर के फ्लोर पे जाके ही रहूंगा ज्यादा तो मेरे को फायदा है, वास्तु ठीक हो गया। नहीं, वो नीचे का काम करेगा भैया, ठीक है उसमें कोई। सर कई बार ऐसा होता है ग्राउंड फ्लोर में आधा पार्किंग के लिए छोड़ के और आधा बनाते, फिर वो अलग मैटर है, अलग मैटर है, ठीक है। दो फ्लोर पे कर सकते। नैना जी बोलिए। नैना जी, नम्रता गुप्ता जी। हेलो। हाँ जी नैना जी बोलिए। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर ईस्ट साउथ सॉरी एनी में नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम आता है तो वहां पर वी कैन प्लेस द लॉर्ड गणेशा। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आता है तो लॉर्ड गणेशा को वहां रख सकते हैं। हाँ वो दैट्स ओके। देखो नॉर्मली क्या होता है कि
रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रख सकते। कई बार क्या होता है कि हम क्यों नहीं रखते मंदिर, मंदिर इसलिए नहीं रखते क्योंकि जहां पर भी बेडरूम होता है वो फिजिकल रिलेशनशिप की जगह भी है, है ना। अब अगर मान लो उस बेडरूम में बच्चे सो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और सो रहा है तब भी फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमारी धारणा के ऊपर होती है हर बात, है ना। इसीलिए कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भाई इसीलिए घर में मंदिर होना नहीं चाहिए, ज्यादातर मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए क्योंकि मंदिर घर में उतनी स्वच्छता नहीं रह सकती, उतना हम ख्याल नहीं रख सकते। अब इसमें एक चीज और भी आती है कि भाई अगर इसी लॉजिक पर जाएं तो कई लोग तो बेचारे रहते ही एक कमरे के घर के अंदर हैं, तो वो तो बेचारे भगवान की कोई मूर्ति रख ही नहीं सकते क्योंकि वो तो वहीं सोना है। भाई दुनिया में तो हर तरीके के लोग हैं ना, भगवान तो सभी के लिए है। ये तो है नहीं कि भाई जिसके पास 3-bedroom फ्लैट है उसके लिए भगवान है और जिसके पास 1-bedroom का फ्लैट है उसके लिए भगवान नहीं है, ये तो नहीं है ना संभव। तो वास्तु तो हर किसी के लिए बराबर काम करेगा। अभी जो बेचारा एक कमरे के मकान में रह रहा है उसका तो वही किचन भी है, वही उसने सोना भी है ना, सब चीजें वही है और वही भगवान को भी अगर मंदिर रखेगा तो भगवान की मूर्ति भी लगाएगा, फोटो लगाएगा, कुछ तो करेगा, है ना। तो ये अपने ऊपर ज्यादा है, जैसे हम कहते ना हमारे ऊपर, हमारा हमारी गट फीलिंग क्या बोलती है, ये उस बात के ऊपर ज्यादा आ जाती है। ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं भगवान की मूर्ति रखने के लिए कम से कम 3-bedroom तो होना ही चाहिए वरना नहीं रख सकते, नहीं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति जो बेचारा एक किसी झुग्गी झोंपड़ी में भी रह रहा है उसको भी भगवान की मूर्ति या फोटो रखने का पूरा हक है और उसकी पूजा करने का हक है। तो ऐसी बातें कर कर हम थोड़ा सा मैटर को ना खराब कर लेंगे, वो मतलब सही नहीं है। मतलब गरीब आदमी के दिल में ये नहीं आना चाहिए, गरीब नहीं मैं कह रहा हूँ किसी के भी दिल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल गरीब की बात नहीं है, कई लोग तो रहते ही स्टूडियो अपार्टमेंट में है, एक ही रूम है, तो बहुत पैसे वाले लोग हैं स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो किसी के दिल में भी ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर वो तो अपने को लगता है भाई, ये लोगों को खुद को एहसास होता है कि यार इस कमरे में हमने मंदिर बना रखा है, यहाँ पर हम अपना रात में सोते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, इट इज नॉट गुड, ये खुद को लगता है, है ना? नहीं वही सुना बहुत, तो दैट्स व्हाई आई एम टू आस्क। मैंने बोला ना भगवान तो सबके लिए। ओके एंड वन मोर थिंग सर, जो भी रेमेडीज है वो फ्लोर पे प्लेस करने के लिए है, अगर इन केस द फ्लोर इज नॉट क्लियर, वहां पर कुछ सामान रखा हुआ है, दैट कॉर्नर हैज बीन ब्लॉक्ड, तो वहां पर कोई टेबल हो कुछ हो तो उसके ऊपर हम रख सकते हैं ना उसे। पहली चीज ऐसा समझिए कि नहीं है ऐसा कि सारी रेमेडी फ्लोर पे नहीं है, कुछ रेमेडी फ्लोर पर है, कुछ टेबल पे, कुछ दीवार पे टांगनी है। हाँ नो बट साउथ वाले जो भी है, साउथ में जो भी है लाइक रेड हॉर्सेस है, एलिफेंट्स है, इनका प्लेसमेंट ऑन द फ्लोर है। हाँ जी। तो अगर समझो वहां पर कुछ टेबल्स है या कुछ बैठने के लिए रखा है या इट इज ब्लॉक, So, उसको हम टेबल के ऊपर प्लेस कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, स्टूल के ऊपर या टेबल के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ना पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि कई बार हमें ये भी सोचना पड़ता है कि कोई चीज हमारा घर ही हमें अलाउड नहीं करता रखने के लिए, ठीक है, तो नहीं करता मतलब जो नहीं लग सकती, फिर जबरदस्ती कुछ नहीं करना, मतलब जबरदस्ती क्या लगानी है, ठीक है, ओके, है ना। और अगर लगता है कि हाँ ये रेमेडी की मेरे को बहुत जरूरत है तो ठीक है टेबल पे रख लो, है ना, वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, थैंक यू सर। ओके नम्रता जी बोलिए। सर मोर ओवर दीस रेमेडीज आर सारे प्लैनेट बेस्ड है मोर ओवर, तो इज इट नेसेसरी कि हम पहले अपना हॉरोस्कोप चेक करें कि डेबिलेटेड ना हो या फिर अच्छी पोजीशन पे हो, देन ओनली वो यूज करें, लाइक द ग्रीन ग्रीन सीन। मोस्ट ऑफ द रेमेडीज आर लोकेटेड एट द एग्जॉल्टेड पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, राइट, ठीक है, पहली चीज। तो जो एग्जॉल्टेड पोजीशन ऑफ द प्लैनेट के हिसाब से इसीलिए रेमेडीज उस जगह पे क्रिएट कर रखी हैं कि वो आपको ज्यादा दिक्कत ना दे पाए क्योंकि वो उसकी बेस्ट प्लेसमेंट है ना। अब दूसरा सवाल ये आता है कि भाई अगर हमें जानकारी हो, अगर हमें जानकारी हो तो मैं सेम रेमेडी को किसी और जोन में भी यूज कर सकता हूं। कई लोग YouTube पे वीडियो बनाए थे ना, काम देनु गाय अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस चीज को अगर आप साउथ ईस्ट में रख देंगे तो वैसा हो जाएगा, तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चलता है, वो कहते हैं अच्छा अभी तक तो हमने सुना था काम देनु गाय ईस्ट साउथ ईस्ट में रखनी है, ये बंदे ने स्पेशल बात बताई यार नॉर्थ ईस्ट में रख, नॉर्थ वेस्ट में रख देंगे काम देनु गाय तो बन जाएंगे माला माल, है ना, साउथ में रख देंगे काम देनु गाय तो किस्मत में बरसेगा सोना फलाना ढिमकाना, ऐसे मतलब टाइटल बनाते ना लोग यूट्यूब के। तो अब वो क्यों बता रहे हैं वो सब चीजें, वो सब उसके लॉजिक लगा रहे हैं प्लेनेट के, लेकिन वो प्लेनेटरी लॉजिक लग रहा है, वो जनरल आदमी के लिए काम करेगा नहीं करेगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन जहां पर इसको बताया गया ईस्ट साउथ ईस्ट ये उसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन है,
है ना, एग्जॉल्टेशन में पीटेगा नहीं ज्यादा, है ना, गलत नहीं दे सकता। अच्छा मर्क्यूरी जैसा अच्छा प्लेस नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल वी कैन प्लेस द ग्रीन सीन। ग्रीन सीन हम बहुत लोग लगाते हैं और नहीं भी होता तब भी लगा लेते हैं, कोई ज्यादा मारामारी होती नहीं, लेकिन फिर भी अगर इन जनरल मैं बोलूं तो 12वें घर का जो मरकरी है उससे बचकर लगा लो, सिर्फ इतना देख लो 12वें घर में मरकरी नहीं है तब भी काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9th house will also do। हाँ इतना कोई नाइन्थ में वो टेंशन नहीं है जो 12वें घर की है बस। ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है ओके अनुज जी। गुड इवनिंग सर। बोलिए जी। सर गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग बोलिए। सर अगर नॉर्थ बार चार्ट में छोटा है, नॉर्थ बार चार्ट में छोटा है, एग्जॉस्टेड है, तब भी ग्रीन सीन लगाना चाहिए वहां पे? लगा सकते हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। ओके पर और ग्रीन सीन अपना काम जरूर करेगा। ओके और वो क्योंकि रेक्टेंगुलर ही होगा तो दोनों चीजें एंटी मतलब वो तो नहीं हो जाएंगी जो सारे फ्रेम रेक्टेंगुलर होते हैं। देखो जब एक किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था मेरे से कि भाई हम ट्राइंगल लगा रहे हैं रेड तो रेक्टेंगल का क्या लॉजिक है, स्क्वायर का क्या लॉजिक है, जो वेवी शेप है इसका क्या लॉजिक है। अब आप बहुत चीजें समझ चुके हो, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। शेप देखो कई चीजों की, एक आपके घर में ना सारी चीजें रेक्टेंगुलर है पहले तो ये समझ लेना। मैंने क्या बताया था, जनरल चीज कभी दिक्कत कंसीडर मत करना। आपके घर का हर दरवाजा रेक्टेंगुलर है तो क्या करोगे, उसको सर्कल बना दोगे दरवाजे का? नहीं बना सकते ना, रेक्टेंगल ही है। आपका फ्रिज एक रेक्टेंगल की तरह ही दिखेगा, अलमारी एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगी, खिड़की एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगी, सब चीजें मेजरली सारी चीजें रेक्टेंगल है। आपका सोफा भी ठीक है, हर चीज रेक्टेंगल की दिखेगा। जनरल वे में नहीं देखेंगे इन सब चीजों को, स्पेसिफिक वे में देखेंगे। स्पेसिफिक वे में कैसे देखेंगे, अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। या आप सब लोग चैट बॉक्स में मेरे को आंसर टाइप करके बताना, मैं आपको एक क्वेश्चन रख रहा हूं, आप सब लोग चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा। और अभी मैं आपको अनुज जी आपको भी म्यूट कर रहा हूं एक मिनट, सब लोग समझ जाएं ताकि इस बात को, क्वेश्चन सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करना अपना क्वेश्चन, मैं सबका आंसर देख रहा हूं कि क्या आंसर टाइप हो रहा है। हमारे पास एक घड़ी कोई गिफ्ट कर गया, ठीक है, ये जो घड़ी है ये वुड की है और सर्कुलर है, किस जोन में लगाएंगे बेस्ट? लकड़ी की है और सर्कुलर है, टाइप करो टाइप टाइप टाइप, लकड़ी की है सर्कुलर है, जल्दी जल्दी कुछ ही लोगों ने टाइप करा है, नाम पढ़ू तो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, चलो साउथ तो कोई नहीं आ रहा, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ में ही मामला घूम रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट में लगाएंगे, ये भी बात सही है। राकेश शर्मा जी ने बोला घड़ी है ना चर्निंग ही करा देते, ऐसे चर्निंग ही कर रही है तो ईस्ट में लगाएंगे, वेरी गुड ओके। एनी जोन अभिषेक घोष कह रहा किसी में भी लगा दो, ये सब जगह चल जाएगा मामला, कहानी खत्म, घड़ी से इतना क्या लॉजिक लगाना। अब एक वीडियो बना देंगे कहां लगाएं घड़ी तो बन जाएंगे करोड़पति। ओके आप सब लोगों ने आंसर दिया, अब इसको देखो लॉजिकली समझो, वास्तु के नजरिए से देखते हैं। हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी दिखाती है हमारा अच्छा समय दिखाना चाहिए, बुरा समय नहीं दिखाना चाहिए, तो हमें पहली बात ऐसे सारे जोन में घड़ी नहीं लगानी चाहिए जो कि नेगेटिव टाइप प्रोफाइल हो, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना, ईस्ट साउथ ईस्ट भी, हालांकि चर्निंग है लेकिन फिर भी ईस्ट साउथ ईस्ट अवॉइड ही करना चाहिए, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और चर्निंग का, और वो समय दिखा रहा है हमारा, घड़ी हमारा समय दिखाती है। अब सर्कुलर जो है शेप वो बोलती है स्पेस एलिमेंट, वुड बोलती है एयर एलिमेंट, दोनों एंटी हो गए एक दूसरे के, मतलब अब ईस्ट में लगाते हैं तो आप बोलोगे यार सर्कुलर है, वेस्ट में लगाते हो तो आप बोलोगे यार वुड है। अब नॉर्थ को देखो, नॉर्थ इन दोनों का बैलेंस है बीच में, मतलब नॉर्थ में सर्कुलर शेप भी चलेगी और नॉर्थ में वुड भी चलेगी, दोनों चीजें चलेंगी। और नॉर्थ जोन किस चीज का, अपॉर्चुनिटी का है, पैसे का है, आपको आपको कैसा समय चाहिए जिसमें आपके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो, आपके पास ज्यादा पैसा हो, है ना, आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले, आपका करियर अच्छा हो, करियर का जोन है नॉर्थ,
तो हम उसको नॉर्थ में लगाएंगे तो यहां पर वो जो शेप्स है ना वो आपके लिए मैटर कर जाएंगी कि भाई मैं किस शेप की चीज चूज कर सकता हूं। समटाइम जैसे मान लो किसी का ईस्ट छोटा है घर के अंदर, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे घर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है ईस्ट छोटा हो जाएगा। अब ईस्ट छोटा है, बंदा कहता है कि मैं यहां पर ड्राइंग रूम आ गया, सोफा रखना है, ठीक है। अब सोफे बहुत तरह के आते हैं, सर्कुलर कर्व्ड आते हैं, पीछे से कर्व बनी होती है, ज्यादातर कर्व्ड होते हैं, उनके अंदर जो हाथ रखने की जगह होती है गोलाई है, जैसे आप इस पीछे देख रहे हो। बट ये जो पीछे आप सोफे देख रहे हो व्हाइट कलर के जो आपको दिख रहे हैं फोटो के अंदर, ये इनकी हर चीज रेक्टेंगुलर है, ध्यान देना इनकी हर चीज रेक्टेंगुलर है, मतलब इनका हाथ रखने का जगह से लेकर बैठने की जगह से लेकर बैक तक एवरी सिंगल थिंग इज रेक्टेंगुलर। तो मैं कोई ग्रीन कलर की शेड में कपड़ा चूज करके ऐसा रेक्टेंगुलर सोफा रखूं तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है ईस्ट के अंदर, जो दोनों तरफ साइड से उसको एनहेंस करे, बजाय इसके कि मैं कोई ऐसा सर्कुलर सोफा यूज करूं या उसकी बैक एकदम राउंड हो, उससे बेटर मेरे लिए ये काम कर जाएगी। ऐसी जगहों पे आपको शेप काम करेगी, लेकिन ऐसा मत करना कि यार मेरे को वेस्ट में ना फ्रिज रखना है तो मैं ना सोच रहा हूं कोई कंपनी फटाफट कोई गोल सा फ्रिज बना देना अगर राउंड तो मैं वही रखूंगा। अरे फ्रिज है वो वैसे ही बनना है। टीवी आपका हर जगह रेक्टेंगुलर है, टीवी सर्कल नहीं हो सकता, टीवी वेव नहीं हो सकता, टीवी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें एक इनकी नॉर्मल शेप है, रेक्टेंगल इज अ कॉमन शेप बेसिकली। आपके घर की दीवार से लेकर हर चीज रेक्टेंगल है, हर चीज एवरी सिंगल, आपका टेबल डाइनिंग टेबल, हाँ अब डाइनिंग टेबल है वो राउंड भी हो सकता है। अब आप वेस्ट में रखने जा रहे हो डाइनिंग टेबल, आप चूज कर सकते हो कि मेरा वेस्ट छोटा है तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जब डाइनिंग टेबल लूं तो मैं राउंड ले लूं। और क्योंकि मेरे को नॉलेज अच्छी हो रही है दिमाग में, मेरा काम ज्यादा कर रहा है दिमाग, तो मैं वहां पर जाकर सोच रहा हूं कि यार आजकल तो चाइनीज आ रहे हैं ग्लास टॉप के साथ और फलाने ढिमकाने, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि वुड हटा देता हूं, मैं इस टाइप का ले लेता हूं क्योंकि मेरे को वेस्ट में रखना है, तो मैं राउंड ले लूं और उसके अंदर टॉप जो है वुड का ना लूं। तो ये लॉजिक आप यूज कर सकते हो, वहां पर ये जो शेप्स हैं ये सब चीजें आपके लिए काम करेंगी इस टाइप से, राइट। ओके नेक्स्ट, एक मिनट अनुज जी, हो गया सवाल? जी नहीं सर, रहते हैं। अच्छा या एक क्वेश्चन ये है, थैंक्स फॉर अनम्यूटिंग। एक क्वेश्चन ये है सर कि जो नेगेटिव ज़ोन्स हैं जैसे डिस्पोजल के ज़ोन्स हैं, अगर वो बार चार्ट में एग्जॉस्टेड हैं तो क्या उनको भी एनहांस करना है? देखो बैलेंस क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब हम आएंगे ना दोबारा देवताओं पे तब आपको समझ में आएगा कि जैसे कई लोग बोलते साउथ साउथ डिस्पोजल है, बट उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। अगर वो जोन खराब होगा ना तो आप कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हेल्थ इश्यू क्रिएट कर सकता है आपके लिए, क्योंकि उसका काम है, वहां पर जो देवता मौजूद है ना उनका काम है न्यूट्रिशन क्रिएट करना। बॉडी के अंदर जो आप खाना खा रहे हो उसमें से न्यूट्रिशन निकालने के बाद जो चीज बचती है वही वेस्ट प्रोडक्ट होती है एक्चुअली। अगर वो न्यूट्रिशन ही ना निकाल पाए तो सब वेस्ट ही है। राइट, है ना। कई लोग होते ना ये बहुत खाते हैं इनको कुछ लगता ही नहीं, एनर्जिक 31 कैप्सूल दीजिए जी इनको, वो वाला चक्कर है ये। कई बार बच्चे होते हैं घर के अंदर, बहुत आप कहते हो बच्चा खाता बहुत है लेकिन बहुत कमजोर है, तो इसका न्यूट्रिशन नहीं काम कर रहा, SSW इम्बैलेंस्ड है वहां पे। हाँ, तो बहुत सारी चीजें भी समझोगे धीरे धीरे, क्यों चिंता करो, अभी कौन सा खत्म कर दिया हमने काम। एक क्वेश्चन ओके साइरल जी बोलिए। सो गुड इवनिंग, हाउ आर यू सर? Fine. Bully, bully. So three things I want to ask you something regarding the red horse. I had the red horse delivered to me yesterday and I have kept that in the bedroom segment of south, but I've kept it on a bedside table, but you said it has to keep on floor, which I will move it, but it is in the bedroom segment facing the north. Is it okay? It is in bedroom. It is absolutely fine and it is facing north. It is again, it is good, but only thing is it should be on floor to get better result. Okay. But if you don't have any space on the floor, right? Okay. Then you can place there, but if you have some place on the floor in the southern direction, then you can put it on the floor. Is
does it has to be exactly in the southern position? Because it cannot have a southern corner kind of thing. It should be in south. It should be in south facing the northern part. Placed in south and facing towards north. We'll do that, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you very much. Anish ji, boliye. Actually, मेरा question मैंने sir इस पे planets पे ही पूछना था. एक madam ने पहले पूछा था कि अगर suppose आपका planet किसी गलत house में है, जैसे आपने mercury 12th house में बोला या जैसे mars is in bad position, तो क्या remedies के कभी-कभी बहुत bad effect हो सकते हैं क्या? जैसे एक मतलब मैंने कहीं पे सुना था कि किसी का mercury 12th house में था, तो north की wall green करवा दी, तो उससे सीधा उनको स्ट्रोक आ गया. देखो मैंने क्या बोला, मर्करी बहुत ट्रिकी है. वो भी 12th हाउस, इसीलिए मैंने पहले बोला 12th हाउस. उतना आप एक धर्मपत्री के अंदर देख सकते हो. बाकी जैसे अगर रेड हॉर्स रख रहे हो साउथ में, इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, राइट? बट साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगाना, इट कैन क्रिएट मेजर इशू. इसलिए मैंने बल्ब आपको पहले मना कर दिया. जो जो चीजें डोमिनेंटली गलत हो सकती हैं, वो मैंने आपको पहले सारी हटा दी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो आपको मेजरली बुरा रिजल्ट दे सकते हैं. जैसे साउथ ईस्ट में मैंने आपको मना कर दिया ग्रीन कलर के लिए कि आप ग्रीन कलर मत करो, कि 12th हाउस का मरकरी वहां पर मेजर इफेक्ट दे सकता है. ऐसी मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप एक बार चेक करना चाहो तो फिर भी चेक कर सकते हो ग्रीन सीन, क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर ग्रीन कलर कराया फिर तो वो डोमिनेंटली आपने रखा ही उसको 12वें घर के अंदर है मरकरी को, वहां तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत देने की संभावना हो गई. छठे घर में तो फिर भी दिक्कत देने की संभावना थोड़ी सी कम है, वहां पर तो बहुत ज्यादा हो गई ना. ठीक है, वो तो उसकी एग्जॉल्टेड जगह, वहां तो है ही वो डेबिलिटेटेड, तो वो तो उसकी जगह ही खराब हो गई बिल्कुल. तो वहां तो डबल मार हो जाएगी, अगर बाई चांस आ गया और है भी तो दुगनी मार हो गई उस बंदे के ऊपर. तो वहां पर सिमिलरली साउथ ईस्ट के अंदर रेड बल्ब फायर एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मार्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम, तो मार्स बंदे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. लेकिन अब जैसे मान लीजिए मार्स की चीज, जैसे तलवार बोल दी, अभी मार्स की चीज ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई है नहीं. मार्स की चीज है, आपके घर में कोई ना कोई चीज है, हर जगह पड़ी हुई है. किचन में चाकू पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके घर में और भी बहुत सारी जगह ऐसी चीजें पड़ी हुई है. सिंबॉलिकली जब इसको यूज कर रहे हैं रेड हॉर्सेस को स्पेशली, बहुत सही जगह पे यूज हो रहा है. मैं आपको रीजन बता देता हूं, अगर किसी का मार्स खराब भी हो, खराब मार्स का भी इलाज मून से हो जाता है, कि मून की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए. अगर मून की पोजीशन अच्छी होगी तो खराब मार्स अपना रिजल्ट नहीं देगा, पहली चीज, मतलब उतना खराब रिजल्ट नहीं होगा. जन्मपत्री वो चीज कट जाएगी, वो मून डिसाइड कर देगा कि भाई मार्स बुरा नहीं हो सकता. जैसे 8वें घर का मून है, मून खुद खराब है लेकिन मार्स खराब नहीं हो सकता उस जन्मपत्री के अंदर. ऐसे 5th हाउस का मून भी मार्स को ठीक कर देता है, 3rd हाउस का मून भी मार्स को ठीक कर देता है, अभी 1st हाउस का मून भी मार्स को ठीक कर देता है. अभी जो रेड हॉर्सेज हैं वो हम लगा कहां रहे हैं? वो हम प्लेस कर रहे हैं साउथ में, विच इज 3rd हाउस, राइट? वो खराब को भी ठीक कर सकता है, उसकी काबिलियत है. इसीलिए हम मार्स की कोई चीज नहीं लगा रहे, वरना हम कोई रेड कलर की और चीज भी लगा सकते थे. बट मून के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है वो उसको मून खराब नहीं होने देगा, मून उसको ठीक करेगा, पहले करेक्ट करेगा उसको. तो करेक्ट करना उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर भी अगर मान लो बाई चांस 1-8% किसी के दिमाग में आता है भाई रेमेडी लगाई उसके बाद से ना मेरे को दिक्कत हो रही है थोड़ी, ठीक है यार हटा दे भाई तेरे दिमाग में आ रहा है तो. क्योंकि देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई अगर किसी को दिक्कत है हटा दो, वैसे तो उसको दिक्कत आ नहीं रही उस चीज से, पहली चीज. फिर भी अगर मान लो महसूस हो रही है, तो देखो ये क्या है, जितनी भी रेमेडीज हैं ये कोई इनके अंदर जादू भरा हुआ नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस पैटर्न के ऊपर काम कर रही है. अगर मेरा दिमाग ही एक्सेप्ट कर ले कि मेरे को इस चीज से दिक्कत है, तो दिक्कत हो या ना हो मुझे उससे दिक्कत है, पहले चीज समझ लेना. तो कई बार हमने क्लाइंट को लगाया, अब मान लो क्लाइंट को ही लग रहा है कि भाई ये यार जब से ये चीज रखी है ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, भले ही आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस चीज की वजह से 1 रुपए की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही इसको, फिर भी बोल दो अच्छा जी ठीक है हटा लो कोई बात, क्योंकि उसको शुरू हो गई. अब उसका दिमाग बार बार उस चीज को पकड़ रहा है कि मेरे को इस चीज से दिक्कत है, इस चीज से दिक्कत है, है नहीं पर है. मैंने बताया ना कि ये जो रेमेडीज है और इनका जो इम्पैक्ट है वो उन चीजों को ज्यादातर करेक्ट करेगा, खराब चीजों को, बजाय उनका बुरा रिजल्ट देने के, जिस तरीके से इनको शेप अप करा गया. क्योंकि मान लो किसी का वीनस खराब है,
कामधेनु गाय रिप्रेजेंट्स गुड वीनस, है ना, ध्यान से समझना, कामधेनु गाय रिप्रेजेंट गुड वीनस। जब आप उस चीज को लेकर जा रहे हो अपने घर के अंदर तो वो उसको बेटर ही करेगी, वर्स्ट नहीं करेगी, सिचुएशन को खराब नहीं करेगी, उसको ठीक करेगी, इंप्रूव करेगी। अब मान लो किसी ने अपने घर के अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना, सूखी हुई लाल मिर्च रखते हैं कई लोग बहुत ज्यादा, दैट इज बैड मार्स, दैट इज बैड मार्स, कई लोग बहुत ज्यादा ले आते हैं, 5-5 किलो, 2-2 किलो, 3-3 किलो, भाई सस्ती मिल रही थी हम ले आए, वो मार्स की खराब फॉर्म है। क्यों? लाल मिर्च मार्स को रिप्रेजेंट करती है, लाल मिर्च खराब नहीं है। लेकिन अभी आप चीजों देखो, सूखी हुई लाल मिर्च का मतलब क्या है, क्योंकि उसके अंदर से जो उसकी जो क्वालिटी थी ना, जो उसके अंदर वॉटरी पार्ट था, वॉटर रिप्रेजेंट मून, तो वो जो वो है वो खत्म हो चुका है, अब वो सूख गई है, डेड है ना, और वो डेड चीज जो है ना वो आपके लिए दिक्कत दे है, वो इसलिए आपका मार्स खराब रिप्रेजेंट कर रही है। खाली आपके घर में मिर्च होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लाल रंग की मिर्च साबुत पड़ी हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका ज्यादा खराब हो रहा होगा उसके घर में वो लेके ही ज्यादा आ जाएगा, वो कहेगा मैंने ना गलती से 2 पैकेट मंगा लिए, मैंने गलती से 4 पैकेट मंगा लिए, ऐसी पड़ी हुई है जी बहुत दिनों से, तो वो प्लेनेट बता देगा कि ये चीज हो रही है। अभी खैर प्लेनेट हमारा वो नहीं है मैटर पर, लेकिन मैं समझा रहा हूं, हर चीज अच्छी भी है और बुरी भी है। हम ज्यादातर चीज जो रेमेडी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर हम उसका अच्छा पार्ट यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग गुड पार्ट, कि भाई ये अच्छे लेवल पे जाके उसका काम करें। और इसीलिए हम बार बार ये बोलते हैं, कई लोग वीडियो तो बना देते हैं बहुत सारे यूट्यूब पे कि सन अगर आप ईस्ट में लगाओगे तो ये होगा, वेस्ट में लगाओगे तो ये होगा, साउथ में लगाओगे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन वो उनकी बेस्ट जगह नहीं है, तो वहां पर वो दिक्कत दे भी सकते हैं, लेकिन ईस्ट का लगाया हुआ सन आपको दिक्कत दे जाए इसके चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर, ये दिक्कत है। इसीलिए एज ए मेटल भी ज्यादातर जगह मेटल को ब्रास में यूज करा गया, माइल्ड एलिमेंट है, तो आपको ये नहीं करे कि ईस्ट है तो जी स्टील का लगा लो, उसका है तो उसका लगा लो, नहीं, माइल्ड एलिमेंट है, काम कर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, एज ए रेमेडी भी यूज होता है, बहुत सारी जगह लिखा हुआ भी है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोलॉजी की बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर आपका सन खराब है तो आप कॉपर का त्रिशूल लगा लो ईस्ट में, कॉपर का सन लगा लो ईस्ट में, खराब के लिए, अच्छे के लिए नहीं, खराब के लिए बता रहा हूं, अच्छा है तो यही अच्छा, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि ब्रास भी लगा सकते हो आप, कॉपर भी यूज कर सकते हो, तो कई जगह वो कॉपर का त्रिशूल, अभी त्रिशूल का भी लॉजिक है, त्रिशूल का लॉजिक ये है कि त्रिशूल के अंदर वो कॉपर और वो क्या कर रहा है, वो मार्स आ रहा है फर्स्ट हाउस के अंदर, त्रिशूल के अंदर ना वो धार बनी हुई है, धार, त्रिशूल एक मैंने बताया जिस चीज में धार है, नोक है, वो मार्स है जो जो चीज अटैक कर सकती है, तो वो मार्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, फर्स्ट हाउस मार्स का होता है, तो मार्स को भी, मार्स की मदद अगर सन को मिलती है ना तो सन पावरफुल हो जाता है, तो इसलिए वहां पर त्रिशूल लगाने से भी कई बार उसकी रिजल्ट जो होते हैं ठीक हो जाते हैं। हमारा टॉपिक नहीं, अब क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए मैं एक क्लियर कर देता हूं बस, और थैंक यू सर। सर एक थोड़ा सा आप करें, मतलब 12th हाउस में एक और था कि जैसे रेड बल्ब लगाते हैं तो आप 12th हाउस में मार्स को ले आते हैं, तो ये भी कहना कि अगर 12th हाउस में मार्स आ जाता है राहु कहीं भी वो कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, राहु कंट्रोल हो सकता है, लेकिन अगर मार्स अपना खराब रिजल्ट दे देगा गलती से, देखो लाल किताब के अंदर मार्स को अच्छा ही माना गया, मार्स को बुरा भी बहुत माना गया 12th हाउस के मार्स को, ऐसा नहीं कि 12th हाउस में मार्स का गलत रिजल्ट नहीं है, ये बोला गया राहु को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन बड़े भाई को मार देता है, जिस किसी की पत्री में 12th हाउस का मार्स होता है बड़े भाई की जान पे खतरा बन जाता है, बड़े भाई की डेथ हो सकती है, वो उतना खतरनाक भी है वहां पर, ट्राई टू मतलब दोनों साइड अपने को बहुत साइड चलना है, उस बंदे के लिए बुरा नहीं हो रहा क्योंकि उसकी कुंडली में तो है 12वें घर में, उसका तो राहु कंट्रोल में हो रहा है, लेकिन सबके लिए नहीं है ना 12वें घर में, अब इसी का हो रहा है लेकिन इसके बड़े भाई को तो टेंशन क्रिएट कर सकता है ना, भाई मान लो मेरा है 12वें घर में और मैं अपने घर में साउथ ईस्ट में रेड बल्ब भी लगा लिया, और मेरे भाई मेरे वजह से, मेरा बड़ा भाई है उसकी उसने हालत खराब करनी शुरू कर दी, मेरा तो राहु कंट्रोल हो रहा है, मेरे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेरा अच्छा भी है जी मार्स, मैं टेंशन फ्री, बट दूसरा आदमी पिट रहा है ना बेकार में, तो वहां पर सीधा सीधा ये लिखा गया कि भैया 12th हाउस का मार्स बड़े भाई के ऊपर भारी हो जाता है, भारी मतलब डेथ का कारण बन सकता है उसकी, छोटा भाई बड़ा बन जाता है, ऐसा लिखा गया कि छोटा भाई बड़ा बन जाता है, बड़ा बनने का मतलब यह कि उससे बड़ा वाला भाई मर जाता है,
ये वाला लिखा गया लॉजिक, तो अपने को देखकर इसीलिए पहले ही वो चीज अलग कर दी कि भैया ये चीज यहां नहीं लगानी रेड बल्ब। हमें आपको वास्तु सिखाना है, लेकिन वास्तु इस तरीके से सिखाना है ना कि किसी के साथ गलत ना हो, पर्पज ये है ना, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके जी, राजीव जी पूछिए। वैभव अनम्यूट कर दिया आपको, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि अभी आपने बोला कि अगर किसी के घर, अगर घर में किसी को घुटने में प्रॉब्लम हो तो आप अश्विनी कुमार की फोटोग्राफ लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट में। सो क्या ये इसको हम एक जनरल प्रिंसिपल ले सकते हैं कि अगर घर में किसी को ऐसी बीमारी हो, मे बी किसी और ऑर्गन में, जैसे नेक में कोई प्रॉब्लम हो या शोल्डर में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम रिस्पेक्टिव जोन में लगा सकते हैं या नहीं, ये सिर्फ इन्हीं जोन पे अप्लाई होता है? ये सब चीजें जो है ना ज्यादातर वो एस्ट्रो वास्तु के प्रव्यू में आती हैं, वास्तु के उसमें नहीं आती। देवताओं से कई चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं, वो मैं जब देवता करूंगा तो बता दूंगा। ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जी बोलिए। सर क्वेश्चन ये है कि जब हम जैसे जोन बैलेंसिंग करते हैं तो हमें ये कैसे पता लगे कि हम उसमें कितनी चीज, फॉर एग्जांपल हम वो पेंट से भी कर सकते हैं या फिर हम कहीं पे फोटोग्राफ से कर सकते हैं या कर्टन से कर सकते हैं, तो कैसे पता लगे कि कितनी कितनी चीजें करनी अप्रोप्रिएट है या फिर एक रेमेडी करना इन जनरल इज ओके? देखो मेन चीज ना कभी भी रेमेडी नहीं बोलेगी आपको, मेन चीज है रिजल्ट। जी बात समझ रहे हो, कोई चीज कम है मेरे एक जोन के अंदर, मैं वहां पर जब मेरे को पता ही है कम है तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कर्टन लगा लो, आप पेंट कर लो, आप टेप लगा लो, है ना, उस कलर की चीजें इंट्रोड्यूस कर लो वहां पर, मेटल बढ़ा दो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली देखो ध्यान से समझना, ध्यान से मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोग समझने की कोशिश करना क्योंकि ये आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन है, हमें कैसे मिलेगा बैलेंस कहां पर है। आपको कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी बुक, आप बुक पढ़ के ना प्लेन उड़ा सकते हो, बुक पढ़ के कार चला सकते हो, बुक पढ़कर ना साइकिल नहीं चला सकते, चला ही नहीं पाओगे कभी जिंदगी में, क्योंकि साइकिल वो चीज है जिसके अंदर आपको बैलेंस क्रिएट करना होता है। जहां पर कि आपका एक दोस्त पीछे से साइकिल को पकड़ के खड़ा होता है और आओ साइकिल वो ओढ़ी होती है टेढ़ी जब आप उसके ऊपर बैठे होते हो पहली पहली बार, तो आप ऐसे हो रखे होते हो टेढ़े और आप वो कह रहे होते हैंडल सीधा करो और आप कह रहे होते भाई कहां सीधा करूं, सब सीधा ही तो है। तो आपको बैलेंस पता ही नहीं होता बैलेंस क्या है, और वो कह रहा होता भाई सीधी कर सीधी कर, आपके सीधी हो नहीं रही होती, फिर वो गुस्से में आ जाता है, आपको जोर से ले जाके आगे तक 10 कदम के बाद धक्का मार देता है, आप आगे जाके गिर जाते हो, आपको पता नहीं चलता बैलेंस क्या होता है। फिर जब वो दूसरी बार धक्का मारता है तो आपकी साइकिल ना थोड़ा सा चलती है, गिरते आप फिर हो या उतर जाते हो साइकिल से, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा चलती है, जैसे थोड़ा चलती है ना आप बोलते हाँ हाँ चली थी, आप उसको बोलते हो अबे चली थी ना वहां तक गई ना, देन यू रियलाइज कि हाँ थोड़ा बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और फिर एक बार साइकिल पूरी चलती है, देन यू रियलाइज ये है भाई बैलेंस। अब इसको कोई समझा नहीं सकता, आप फील कर सकते हो समझा नहीं सकता, लेकिन एक बार जब वो बैलेंस आपको पता चल गया क्या है, उसके बाद जिंदगी में आप कभी साइकिल चलाना नहीं भूलते। जी आज आपको, आप में से बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जिनको 30-30, 40-40 साल हो गए होंगे साइकिल चलाए बिना, आज भी वो साइकिल चलाएंगे ना तो गिरेंगे नहीं, गारंटी, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं व्हाट इज बैलेंस। बैलेंस ऐसे होता है, हाँ थोड़ी बहुत इनिशियली टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, हैंडल इधर उधर होगा, बट गिरेंगे नहीं क्योंकि दे नो बैलेंस। तो बैलेंस क्या है, वो फील है, अपने को कितना करना है ये मेरे हालात बताएंगे। जब मैं जैसे जैसे मैं रेमेडी करूंगा मेरे को उसका रिजल्ट दिखेगा, मेरे को मेरे मैं फील कर पाऊंगा कि हाँ मैं बैलेंस में हूं, है ना। इसका कोई पैमाना नहीं है 8x2 हरा कर दो, 3x4 नीला कर दो, ऐसा नहीं कर सकते, तो पैमाना नहीं है, लेकिन बैलेंस यू कैन फील। जब आप करोगे ना अपने घर के अंदर कुछ भी एडजस्टमेंट करोगे, देन यू फील कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो है जो बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस है, वो फील है। तो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली 10 किलो ये चीज रखनी है, 5 किलो ये चीज रखनी है, वो नहीं है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है ये चीजों से ये चीज को बढ़ाना है,
जब वो बढ़नी शुरू हो जाएगी ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ठीक हो रहा है बस, या घटनी शुरू हो जाएगी, देन यू विल रियलाइज कि ठीक हो रहा है। वही बैलेंस है, चाहे वो साइकिल चलाने वाला बैलेंस हो, चाहे वो स्विमिंग करते वक्त बैलेंस हो। स्विमिंग करते वक्त भी कोई सिखा कुछ नहीं सकता, आप खुद ही महसूस करते हो कि आज मैंने चार पैर हाथ में आ रहे तो यहां से मैं वहां तक पहुंच गया था, मतलब आई फील कि मैं तैर रहा हूं। यू फील, फील महसूस, महसूस किया जाता है, आप महसूस करोगे। राजीव जी बोलिए क्वेश्चन। हाँ सर, सर मेरा मेरा ये था जो बात हो रही थी, मेरे 12th में 12th हाउस में बुध है और कर्क राशि का मंगल है, तो पहले दिक्कत थी लेकिन अभी 6-7 करीब दिवाली के टाइम पे मैंने व्हाइट कलर कराया पूरे घर में, ठीक है, नॉर्थ मेरा कम है तो मैंने वो ग्रीन फोटो लगाई, उसके बाद से मेरे को फर्क हुआ। हाँ ठीक है, नहीं ना, व्हाइट कलर कराने से फर्क हुआ, और साउथ में मेरे पाइप आ रही थी तो वहां पे पिंक कलर कराया और पाइप पे ग्रीन कलर किया, तो पहले से बेटर महसूस हुआ जो भी बात कर रहे थे लोग। मैंने क्या बोला, फायदा करती है मतलब। हाँ, मैंने आपको क्या बोला कि जैसे आपने बोला मुझे फायदा महसूस हुआ, ये हाँ, है बस। हाँ, इससे हाँ, आपको पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। हाँ, ये मैंने खुद अपने घर में अपने देखा मैंने। बस मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ कि ये नहीं कि कितना, इसका लॉजिक है कि हमें महसूस क्या हो रहा है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे एक क्वेश्चन है सर, जो स्वास्तिक है वो एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर ये नहीं कि 16 के 16 में लगा देंगे। हाँ, नहीं, मैंने किसी फैक्ट्री में देखा तो बहुत ज्यादा, चार फ्लोर है और तीन तीन बना रखे हैं सामने बालकोनी में, तो 12 हो गए, 4 3 12। स्वास्थ्य को फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में कई जगह ज्यादा भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा जो काम धेनु है जो रखते हैं, वो जब सफाई वाली आती तो हटाएगी भी उसको, उससे कोई इश्यू तो नहीं है? आपने दीवार के एकदम लास्ट, क्योंकि जो भी आपका पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट पे ही रखोगे दीवार के बिल्कुल साथ लगाकर, सफाई वाली को जब भी बोल दोगे ना ये तूने इसको नहीं छेड़ना। अच्छा, चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं छेड़ेगी उसको, तो ऐसी चीजें चाहिए घर के अंदर जहां पर कि साफ ना करना पड़े। अच्छा, एक चीज और, एक काम करना, उसके साइड में ना एक सेलो टेप वगैरह लगा देना साइड। अच्छा, अच्छा, फिक्स हो जाएगी वो। नीचे मत लगाना, डबल टेप मत लगाना, साइड में हल्की सी सेलो टेप वगैरह लगा देना, उसको बोलना इसको उठाने की जरूरत नहीं है, इसके साइड से ही पोचा वोचा मार दिया कर झाड़ू, तो कोई दिक्कत। अच्छा, एक और था, किसी क्वेश्चन था वो ट्रेडिंग वाला, तो क्या वो जैन जो आदमी है वो साउथ वेस्ट में बैठ के नॉर्थ ईस्ट में देख दे तो चल, तो ट्रेडिंग हो? दोनों जगह कर सकता है, लेकिन वेस्ट उसके लिए वेस्ट साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा, एक थोड़ा सा अलग है कि जैसे डोर शिफ्ट करना हो, क्या चीज डोर शिफ्ट करना हो, जैसे कोई मान लो N7 में N3 में लाना हो, तो उसका भी उपाय करना पड़ेगा? नहीं, कोई उपाय नहीं, बंद कर दें उसको, नया खोल लें वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मिक्की सलूजा जी, आज का आखिरी क्वेश्चन आपका है, बोलो। हाँ जी सर, धन्यवाद। ये पूछ रहा था सर, ESC के जोन में वो दही मथने वाला, वो आपने बताया था ना फोटो, वो लगा सकते हैं अगर किसी की बहुत ज्यादा चर्निंग हो रही है, मतलब ओवर थिंकिंग हो रही है और फाइनेंशियल लॉस हो जा रहे हैं, लगा सकते, मतलब गलत डिसीजंस हो जा रहे हैं, लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट में एक भगवान शिव की फोटो भी लगा, नो, नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव की एक फोटो लगा। मैं ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं, फिर अल्टीमेटली वो काम करना कर लेता। नॉर्थ ईस्ट में एक भगवान शिव की फोटो भी लगा लेना उसके। अच्छा, वो ठीक है ना सर? हाँ जी, कोई दिक्कत। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया और मेरी पूरी बात को सुना, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का दिन शुभ हो और थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ यहाँ पर समाप्त कर देते हैं कार्य को। थैंक यू।